रात का क्लास चल रहा था, चार ग्यारह 1966। द मॉर्निंग क्लास डेटेड 4/11/1966 वॉज बींग नरेटेड। शुक्रवार को पहले पेज के मध्यांक में बात चल रही थी। ऑन फ्राइडे द टॉपिक डिस्कस्ड इन द एंड ऑफ द मिडल पार्ट ऑफ द फर्स्ट पेज वॉज वो बेहद का बाप जिसको हम पतित पावन कहते हैं। That unlimited father whom we call the purifier of the sinful, वो आकर के कहते हैं, he comes and says, कि ये जो तुम्हारी शैतानी है, पांच विकारों की, your demonic behavior of the five vices, meaning विकार, वि माने विपरीत, कार माने कार्य, वि means opposite and कार means actions, भगवान की श्रीमत के विपरीत जो कार्य है विकार, the action that is opposite to the father's श्रीमत meaning the most elevated directions विकार, उस विकार की शैतानी को छोड़ो, leave that demonic attitude of the vices, अभी कलयुग के अंत संगम के आदि अर्थात सतयुग के आदि में, नाउ एट द एंड ऑफ द आयरन एज एंड द बिगनिंग ऑफ द कॉन्फ्लुएंस एज मीनिंग द बिगनिंग ऑफ द गोल्डन एज, ये शैतानी छोड़ना तो अच्छा है ना, इट इज गुड टू लीव दिस डिमोनिक एटीट्यूड इजंट इट, और सो भी कहते कौन है, एंड हु इज द वन हु सेज इट, जो कहते हैं उनके ऊपर निश्चय होना चाहिए, यू शुड हैव फेथ ऑन द वन हु सेज इट, पहले पहले यही निश्चय होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव दिस वेरी फेथ, कि बेहद का बाप कहते हैं, द अनलिमिटेड फादर सेज इट, कौन कहते हैं, हु सेज इट, कौन है, स्टूडेंट्स द अनलिमिटेड फादर हु इज इट, शिव बाप, द फादर शिव, उनको मुख है जिनका नाम शिव है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, द वन हूज नेम इज शिव हु इज द फादर ऑफ द पॉइंट सोल्स डज ही हैव अ माउथ, मुख है, डज ही हैव अ माउथ, स्टूडेंट्स ही डजंट, तो कैसे कहते हैं, देन हाउ डज ही से इट, हाँ, स्टूडेंट थ्रू द परमानेंट चैरियट, यस, बेहद के बाप दो हैं आत्माएं, देर आर टू सोल्स हु आर द अनलिमिटेड फादर्स, एक आत्माओं का बाप, वन इज द फादर ऑफ द सोल्स, और एक मनुष्य आत्माओं का बाप, एंड द अदर इज द फादर ऑफ द ह्यूमन सोल्स, दोनों की प्रवृत्ति है, देर इज अ कंपेनियनशिप ऑफ बोथ ऑफ देम, आत्मा जो सदा काल आत्मा है, द सोल हु इज अ सोल फॉर एवर, कभी भी देहभान में आती ही नहीं, हु नेवर बिकम्स बॉडी कॉन्शियस एट ऑल, उनकी आत्मा कहती है, इट इज हिज सोल दैट सेज इट, देहधारी की आत्मा में प्रवेश करके, आफ्टर एंटरिंग द बॉडी ऑफ द सोल बेरिंग द बॉडी, कैसा देहधारी, वॉट काइंड ऑफ अ बॉडीली बींग, जो इस मनुष्य सृष्टि के वृक्ष में बड़े ते बड़ा देह अभिमानी देहधारी है, द वन हु इज द ग्रेटेस्ट बॉडी कॉन्शियस बॉडीली बींग इन दिस ट्री ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड, वो बड़े ते बड़ा आत्मा अभिमानी बनता है, ही बिकम्स द ग्रेटेस्ट सोल कॉन्शियस, शिव बाप को याद करके, बाय रिमेम्बरिंग द फादर शिव, और फिर बड़े ते बड़ा जो आत्मा अभिमानी है वो कलयुग के अंत में विनाश काल में क्या बनता है, देन व्हाट डज द वन हु इज द ग्रेटेस्ट सोल कॉन्शियस बिकम एट द एंड ऑफ द आयरन एज
ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिस्ट्रक्शन बड़े से बड़ा देह अभिमानी बनता है ही बिकम्स द ग्रेटेस्ट बॉडी कॉन्शियस तो देह अभिमानी मनुष्यों का भी बाप है सो ही इज द फादर ऑफ द बॉडी कॉन्शियस ह्यूमन बींग्स एज वेल आत्माभिमान में रहने का जो पुरुषार्थ करते हैं उनका भी बाप है He is also the father of those who make purusharth, meaning spiritual effort, to be in the soul conscious stage. तो उनको So, they उनको माने एक को या ज्यादा को Does they mean one or many? उसको माने एक को That one means one. और यहाँ बोला क्या है उनको And what has been said here? They किनको Who? एक को या दो को वन और टू उन दोनों को बेहद के जो बाप हैं, उनको ये ख्याल होवे बोथ ऑफ देम द अनलिमिटेड फादर्स शुड कीप दिस इन माइंड क्या वॉट उन आत्माओं को भी ख्याल होवे जिन आत्माओं का बाप शिव है कहते हैं Those souls whose father is called Shiv should keep this in mind. और उनको भी ख्याल हो बे जो देह अभिमानी सांडे बनते हैं उनको भी ये ख्याल हो बे And those who become body conscious bulls should also keep this in their mind. कि अगर मेरी नहीं मानेंगे If you don't obey me, तो वो धर्मराज तो बहुत ही तुमको तंग करेगा That Dharmaraj, meaning the Chief Justice, will trouble you a lot. ये मेरी नहीं मानेंगे किसने कहा Who said, if you don't obey me? है? शिव बाप की आत्मा ने कहा साकार के द्वारा The soul of the father Shiv said it through the corporeal one. कि मेरी अगर नहीं मानेंगे तो क्या होगा इफ यू डोंट ओबे मी व्हाट विल हैपन वो धर्मराज तुमको बहुत ही तंग करेंगे दैट धर्मराज विल ट्रबल यू अ लॉट वो धर्मराज दैट धर्मराज क्या व्हाट दूर क्यों कर दिया व्हाई वाज ही मेड डिस्टेंट वो धर्मराज क्यों दूर कर दिया दैट धर्मराज वाई वॉज ही मेड डिस्टेंट क्योंकि वो पार्ट अभी बजने वाला नहीं है इट इज बिकॉज दैट पार्ट इजंट गोइंग टू बी प्लेड नाउ अभी तो मैं प्यार के सागर का पार्ट बजाता हूँ नाउ आई प्ले द पार्ट ऑफ द ओशन ऑफ लव मैं हूँ ही प्यार का सागर आई एम इन फैक्ट द ओशन ऑफ लव मेरा गायन कोई दुख के सागर का नहीं है आई एम नॉट प्रेस्ड एज द ओशन ऑफ सोरो कौन गाया जाता है प्यार का सागर हु इज प्रेस्ड एज द ओशन ऑफ लव एक भगवान ही प्यार का सागर गाया जाता है ओनली द वन गॉड इज प्रेस्ड एज द ओशन ऑफ लव तो मैं बड़े प्यार से तुमको कहता हूँ सो आई टेल यू वेरी लविंगली ये शैतानी का काम पांच विकारों का काम दिस एक्शन ऑफ द डिमोनिक एटीट्यूड दिस एक्शन ऑफ द फाइव वाइसेस क्या करो वॉट शुड यू डू छोड़ दो लीव इट नहीं मानेंगे इफ यू डोंट ओबे मी तो वो धर्मराज देन दैट धर्मराज जो धर्म का राजा है हु इज द किंग मीनिंग राजा ऑफ रिलीजन दैट इज धर्म कौन है धर्मराज हु इज धर्मराज धर्म अर्थात धारणाओं का राजा कौन है हु इज द किंग ऑफ धर्म मीनिंग धारणा डिवाइन वर्च्यूज है समवन ब्रह्मा यस धारणाओं के संबंध में धारणाओं का राजा रिगार्डिंग धारणा द किंग ऑफ धारणा जो सभी धारणाओं का गुणराज कहा जाता है सहन शक्ति द धारणा विच इज कॉल्ड द किंग ऑफ ऑल द वर्च्यूज अमंग द धारणास
दैट इज द पावर टू टॉलरेट। उस सहन शक्ति को धारण करने वालों में राजा है। He is the king among those who imbibe that power of tolerance. वो अभी सहन करता है। He tolerates at present. अभी संगम के कलयुगी हिस्से में। At present, meaning in the period of the Iron Age, in the confluence age. सब सुनता है। He listens to everything. सब देखता है। He sees everything. किसकी आंखों से? Through whose eyes? किसकी आंखों से देखता है? Through whose eyes does he see? राम बाप की आंखों से देखता है। He sees through the eyes of the father Ram. क्या यादगार दिखाया गया है? What is shown in the remembrance of this? Student, on the head of Shankar, संगम में कृष्ण ब्रह्मा बनता है। In the confluence age, Krishna becomes Brahma. और संगम में राम की आत्मा शंकर बनती है। And in the confluence age, the soul of Ram becomes Shankar. तो शंकर के मस्तक में क्या दिखाया जाता है यादगार के रूप में? So, what is shown on the head of Shankar as the remembrance? चंद्रमा। The moon. अधूरा चंद्रमा है। It is an incomplete moon. संपूर्ण नहीं है। It isn't complete. जो अधूरी आत्माएं होती हैं, वो दूसरों के गुणों को देखती हैं या अवगुणों को ज्यादा देखती हैं? Do incomplete souls look at the virtues of others or do they look more at the bad traits? Students, the bad traits. तो वो धर्मराज तुम्हारे सब अवगुणों को चुपचाप सहन कर रहा है। So, that Dharmaraj is tolerating all your bad traits silently. वो आत्मा साकार में थी तब भी सहन करती थी या सामना करती थी? Also, when that soul was present in the corporeal form, did he tolerate or did he confront the children? सहन करती थी। He tolerated. वो देहधारी आत्मा के वो संस्कार सहन करने के सूक्ष्म शरीर में भी अभी हैं। The संस्कार्स ऑफ tolerating ऑफ दैट सोल bearing द बॉडी आर present इवन इन his सटल बॉडी now. वो देखते हुए भी अवगुणों को देखती नहीं है। He doesn't look at the bad traits despite looking at them. अभी भी क्या कर रही है? What is he doing even now? सहन कर रही है। He is tolerating. तो जो बच्चे ऐसी सहनशील आत्मा को भी, So, the children who gave sorrow to even such a tolerant soul, जिसके followers आज भी दुनिया में हैं, कौन है? There are his, meaning Brahma's followers in the world even today. Who are they? BK. Students, BK. पुरुष हैं या माताएं या कन्याएं? Are they men or mothers or maidens? कौन हैं जो ज्यादा सहन करती हैं? माताएं। Who tolerate the most? The mothers. उन सब माताओं की माता ब्रह्मा, बड़े थे बड़ी माँ जगदम्बा के रूप में। ब्रह्मा इज द मदर ऑफ ऑल दोज मदर्स इन द फॉर्म ऑफ द मोस्ट सीनियर मदर जगदम्बा। फिर हम महाकाली का रूप धारण करेगी। शी विल देन टेक ऑन द फॉर्म ऑफ महाकाली। वो महाकाली इस दुनिया के विपरीत कर्म करने वाले विकारियों को, दैट महाकाली विल मेक ऑल दोज हु परफॉर्म एक्शंस ऑपोजिट टू श्रीमत द विशियस वंस इन दिस वर्ल्ड, सबको अनिश्चय बुद्धि की मौत सुलाई देगी। स्लीप इन द डेथ ऑफ अ डाउटिंग इंटेलेक्ट। एक को भी नहीं छोड़ेगी। शी वोंट स्पेयर अ सिंगल वन। फिर क्या होगा? देन
व्हाट विल हैपन? है बाप के प्रति जो अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे, दोज हु हैव एन इंटेलेक्ट विद डाउट्स फॉर द फादर, तो ड्रामा के प्रति अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे, विल हैव एन इंटेलेक्ट विद डाउट्स टुवर्ड्स द ड्रामा। ईश्वरीय परिवार ब्राह्मण परिवार के प्रति भी क्या हो जाएंगे? What will they have for the divine family, the Brahmin family as well? अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे। They will have an intellect with doubts. ऐसे महापापियों को वही आत्मा जिसने इतना सहन किया है वो हिसाब किताब कहाँ लेगी? That very soul who has tolerated so much, when will it settle the karmic accounts with those great sinners? है? इसी संगम युग पर हिसाब किताब लेगी। He will settle the karmic accounts in this very confluence age. बहुत तंग करेगी। He will trouble you a lot. वो आत्मा धर्मराज के रूप में सजाएं बहुत देगी। That soul will give you a lot of punishments in the form of Dharmaraj. क्योंकि तुम अभी किसी की नहीं मानते हो। Because you don't listen to anyone now. क्या? What? हाँ? न ब्रह्मा की मानते हो। You don't listen to Brahma. बड़ी माँ की भी नहीं मानते हो। You don't listen to the senior mother. और जगत पिता की भी नहीं मानते हो। एंड यू डोंट लिसन टू द वर्ल्ड फादर ईदर। मैं जगत पिता नहीं हूँ। कौन? आई एम नॉट द वर्ल्ड फादर। हू? शिव। शिव। मैं तो परम पिता हूँ। आई एम इन फैक्ट द सुप्रीम फादर। मैं तो सब बच्चों को प्यार देता हूँ। आई सर्टनली गिव लव टू ऑल द चिल्ड्रन। लेकिन जो सब देह अभिमानियों का बाप है, बट द वन हु इज द फादर ऑफ ऑल द बॉडी कॉन्शियस वंस, वो फिर धर्मराज को भी ऑर्डर देगा। विल ऑर्डर धर्मराज एज वेल कि डोरी तुम्हारे हाथ में है, द कंट्रोल इज इन योर हैंड्स, फिर मार्शल्ला लग जाएगा। देन The martial law will be enforced. मिलिट्री शासन होता है ना? There is the military rule, isn't there? उसमें कोई भी अगर गलती करते हुए देखा जाता है, If anyone is seen committing a mistake, कानून तोड़ते हुए देखा जाता है तो क्या करते हैं? If anyone is seen breaking the law, what is done? गोली से ठांग कर देते हैं। They are shot with a gun. थोड़ी भी दया नहीं दिखाते। They don't show even a little mercy. तो देखो। So look. तुम अभी किसी की नहीं मानते हो। You don't listen to anyone now. अभी माने कभी। Now means when? संगम युग में जब भगवान बाप आया हुआ है। In the confluence age, when God the Father has come. भगवान बाप के जो बड़े बड़े बुद्धिमान बच्चे हैं, द वेरी इंटेलिजेंट चिल्ड्रन ऑफ गॉड द फादर, जगत पिता जगदम्बा अष्टदेव, द वर्ल्ड फादर द वर्ल्ड मदर द एट डीटीज, किसी की बात नहीं मानते हो। यू डोंट लिसन टू एनी ऑफ देम। वो ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप कहते हैं। The father who is the almighty authority says कि मैं almighty authority master authority गान किसको बनाता हूँ? Whom do I the almighty authority make the master authority? Master उसे कहा जाता है जो प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों से करके दिखाता है। The one who implements something through his कर्मेंद्रिया in practice is called master. कर्मेंद्रिया, parts of the body used to perform actions. मैं तो थ्योरी का ज्ञान देता हूँ। I in fact give the knowledge of the theory. मैं तो आ करता हूँ।
I am certainly akarta, meaning the one who doesn't perform actions. Kaun? Who? Shiv Bap. The father Shiv. Main kuch karta darta nahi hu. I don't do anything. To practical mein karta darta kaun hai, Vallambar? Then, who is the number one soul who does everything in practice? Hai? Students, Ram. Yes. जिसका इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा शरीर कायम रहता है. The one whose body is forever present on this stage-like world. शास्त्र में गायन है. It is praised in the scriptures. कि एक ही आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आदि से लेकर अंत तक पार्ट बजाने वाली. There is only one soul who plays a part from the beginning till the end on this world stage. जो कभी मरती नहीं है. He never dies. कभी किसी से जन्म लेती नहीं है. And he is never born to anyone. वो अजन्मा है. He is ajanma, meaning the one who isn't born. बेहद के रूप में है या हद के रूप में? Is it in the unlimited way or the limited way? बेहद के रूप में अजन्मा है. In the unlimited way, he is ajanma. मना? It means उसकी अनिश्चय रूपी मृत्यु होती ही नहीं. He never dies, losing faith. जिसकी मृत्यु नहीं होगी उसका जन्म भी नहीं होगा. The one who doesn't die won't be born either. ध्रुवम जन्म मृतस्य च. ध्रुवम जन्म मृतस्य च. जो मरता है उसका जन्म भी निश्चित रूप से होता है. मीनिंग द वन हु डाइज इज डेफिनेटली बॉर्न. तो मैं ऐसी आत्मा के शरीर का आधार लेकर के तुमको कहता हूँ बड़े से बड़ी अथॉरिटी. सो आई द बिगेस्ट अथॉरिटी Take the support of the body of such a soul and tell you. क्या कहता हूँ? What do I tell you? हाँ? नहीं, तो बड़े से बड़ी authority. Students, the greatest authority. No, it is true that I am the greatest authority. लेकिन कहता क्या हूँ? But what do I say? हाँ? किस शैतानी को छोड़ दो. Leave this demonic attitude. बेहद का बाप है. He is the unlimited father. एक ही शरीर में दो बेहद के बाप हैं. Are there two unlimited fathers in the same body? डबल बाप हैं. Are there double fathers? या एक ही बाप है. Or is there only one father? डबल बाप आया हुआ है बेहद का. The unlimited double father has arrived. बाप की भी अगर नहीं मानेंगे, If you don't listen to even the father, तो धर्मराज तो बहुत सारी कड़ी सजा देंगे. धर्मराज will give you a lot, all the severe punishments. सारी माने? What does all mean? है? निश्चय बुद्धि बनने के बाद, After becoming the one with an intellect with faith. अंजाम करने के बाद, After making a promise, संसार के सामने बोलने के बाद कि हम भगवान के बच्चे हैं, After saying in front of the world, we are the children of God, दुनिया के सामने बताया कि नहीं बताया? Did you say it in front of the world or not? किसके बच्चे हैं? Whose children are we? भगवान के बच्चे हैं. We are the children of God. और भगवान के बच्चे होकर के एंड आफ्टर बिकमिंग गॉड्स चिल्ड्रन विपरीत कार्य किया दुर्योधन दुशासन बन करके. इफ यू परफॉर्म्ड एक्शंस ऑपोजिट टू द श्रीमत बाय बिकमिंग दुर्योधन दुशासन दुख देने का काम किया इंद्रियों से. इफ यू परफॉर्म्ड द एक्शंस ऑफ गिविंग सोरो थ्रू द इंद्रिया तो धर्मराज बहुत कड़ी सारी कड़ी सजाएं देंगे. Dharmaraj will give you very severe punishments. He will give you all the severe punishments.
जब से तुमको निश्चय बुद्धि का जन्म हुआ है, फ्रॉम द टाइम यू वर बोर्न विद एन इंटेलेक्ट विद फेथ, बाप के बच्चे बने, फ्रॉम द टाइम यू बिकेम द फादर्स चिल्ड्रन, तब से लेकर तुमने जो जो विपरीत कर्म किए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के आधार पर, ऑल द ऑपोजिट एक्शंस दैट यू परफॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लस्ट एंगर ग्रीड अटैचमेंट एंड ईगो, उन सारे ही कर्मों की सारी ही कड़ी सजा देंगे, ही विल गिव यू ऑल द सिवियर पनिशमेंट्स फॉर ऑल दोज एक्शंस, क्योंकि इट इज बिकॉज तुमने ही मेरे को 63 जन्म बुलाया है, यू योर सेल्फ कॉल्ड मी फॉर 63 बर्थ्स, क्या वॉट तुमने ही बुलाया, जन्म जन्मांतर बुलाया, यू योर सेल्फ कॉल्ड मी, यू कॉल्ड मी बर्थ आफ्टर बर्थ्स, और जब मैं आता हूँ एंड व्हेन आई कम तो तुम मेरे को अंजाम करते हो, यू मेक अ प्रॉमिस टू मी कि तुम ईश्वर के बच्चे आत्मा हो, दैट यू आर सोल्स द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, तुम कोई देह देह नहीं हो, यू aren't बॉडीज, क्या क्या हो, वॉट वॉट आर यू, आत्मा हो, यू आर अ सोल, देह नहीं हो, यू aren't अ बॉडी, तो देह का जो कर्म है, सो द एक्शन ऑफ द बॉडी, देह की इंद्रियों का जो कर्म है, द एक्शन ऑफ द इंद्रियों ऑफ द बॉडी, देह की इंद्रियों से जो तुम पाप कर्म करते हो दुख देने का, द सिंफुल एक्शन ऑफ गिविंग सोरो दैट यू परफॉर्म थ्रू द इंद्रियों ऑफ द बॉडी, काम क्रोध लोभ के आधार पर, बेस्ड ऑन लस्ट एंगर एंड ग्रीड, उन सारे ही दुखों की वो दुष्कर्मों की मैं धर्मराज बन करके सजा दूंगा, फॉर ऑल दोज रॉन्ग डीड्स आई विल गिव यू पनिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ धर्मराज, क्यों वाई कारण बताया, द रीजन वॉज मेंशन्ड कि तुमने ही तो मेरे को बुलाया है, इट इज यू हु हैव कॉल्ड मी, आए पतितों को पावन बनाने के लिए, आई हैव कम टू प्यूरिफाई द सिनफुल, अभी ये तो किसके लिए जानते तो हो, नाउ यू डू नो फॉर होम आई हैव कम, अभी वो बेहद का बाप आए हैं, नाउ दैट अनलिमिटेड फादर हैज कम, किसके लिए आए हैं, फॉर होम हैज ही कम, जिन्होंने बुलाया है हे पतित पावन आओ हम बहुत दुखी हैं, दोज हु हैव कॉल्ड ओ प्यूरिफायर ऑफ द सिनफुल कम वी आर वेरी सोरोफुल, उनके लिए बुलाया है, हैज ही कम फॉर देम, या विदेशियों के लिए बुलाया है, और हैज ही कम फॉर द फॉरेनर्स, कौन बुलाते हैं, हु कॉल हिम, भारतवासी बुलाते हैं या विदेशी बुलाते हैं, डू द भारतवासी कॉल हिम और डू द फॉरेनर्स कॉल हिम, स्टूडेंट्स द भारतवासी, अभी भारतवासी बहुत विकारी दुखी हो गए हैं, हैव द भारतवासी बिकम वेरी विशियस सोरोफुल नाउ, या विदेशी बहुत विकारी दुखी हो गए हैं, और हैव द फॉरेनर्स बिकम वेरी विशियस एंड सोरोफुल, स्टूडेंट्स द भारतवासी, तो तुमने ही बुलाया है, सो इट इज यू हु हैव कॉल्ड हिम, पतितों को पावन बनाने के लिए, टू प्यूरिफाई द सिनफुल, अब ये तो किसके लिए बाबा बैठ करके वाणी चलाते, नाउ फॉर होम डज बाबा सिट एंड नरेट द वाणी, तुम समझ सकते हो, यू कैन अंडरस्टैंड इट, ये जो वाणी चलाते हैं, द वाणी दैट ही नरेट्स, ये किसके लिए चलाते हैं, फॉर होम डज ही नरेट इट, विदेशियों के लिए, इज इट फॉर द फॉरेनर्स, है जो जास्ती पतित बन जाते हैं कलयुग के अंत में, उन भारतवासियों के लिए बैठ करके वाणी चलाते हैं, दोज हु बिकम वेरी सिंफुल एट द एंड ऑफ द आयन एज, इट इज फॉर दोज भारतवासी दैट ही सिट्स एंड नरेट्स द वाणी, अपने बच्चों के लिए चलाते हैं, ही नरेट्स इट फॉर हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चे क्यों कहा, व्हाई वाज इट सेड हिज चिल्ड्रन, क्योंकि मैं भारत में ही आता हूँ, इट इज बिकॉज
आई कम ओनली इन भारत. किस में आता हूँ? भारत में. इन होम डू आई कम? इन भारत. तो भारत में जो रहते हैं वो किसके बच्चे हुए? सो हूज चिल्ड्रन आर दोज हु लिव इन भारत? है भगवान बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं. दे आर द डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ गॉड द फादर. तो दुनिया के बच्चों को सुधारूंगा. सो विल आई रिफॉर्म द वर्ल्डली चिल्ड्रन. इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के बच्चों को सुधारूंगा पहले. विल आई रिफॉर्म द चिल्ड्रन ऑफ इब्राहिम बुद्धा एंड क्राइस्ट फर्स्ट. या अपने बच्चों को सुधारूंगा. और विल आई रिफॉर्म माई चिल्ड्रन फर्स्ट. स्टूडेंट्स माई चिल्ड्रन. ये वाणी ईश्वरीय वाणी कोई दूसरों के लिए नहीं चलाते हैं. He doesn't narrate this vani, this divine vani of God, for some other children. दूसरे कौन? Who are the other children? विदेशी, विधर्मी. The foreigners and vidharmi, meaning those whose beliefs and practices are opposite to that set by the father. विधर्मी धर्म पिताओं को जो अपना बाप मानते हैं. Those who consider the vidharmi religious fathers their father. जैसे क्रिश्चियंस दुनिया के 200-250 करोड़. फॉर एग्जाम्पल द 200-250 करोड़ मीनिंग 2-2.5 बिलियंस क्रिश्चियंस इन द वर्ल्ड. किसको बाप मानते हैं? हु डू दे कंसिडर देयर फादर? क्राइस्ट को बाप मानते. मेरे को नहीं मानते. दे कंसिडर क्राइस्ट एज देयर फादर. दे डोंट कंसिडर मी एज देयर फादर. तो मैं अपने बच्चों को पहले सुधारूंगा. अपने बच्चों को पहले. सो विल आई रिफॉर्म माई चिल्ड्रन फर्स्ट? फर्स्ट माई चिल्ड्रन. सहज सहज प्यार से नहीं मानेंगे तो जबरदस्ती भी सुधारूंगा. इफ दे डोंट एक्सेप्ट इजिली विद लव आई विल इवन रिफॉर्म देम फोर्सिबली. कोई भी हालत में. अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. अपने बच्चों को पहले अपने घर ले जाऊंगा. I will take my children first to my home. देहभान का छिलका छुड़ा करके. By making them renounce their husk of body consciousness. तो धर्मराज क्या कहते हैं? So, what does धर्मराज say? देहभान का छिलका उतारने के लिए क्या कहते हैं? What does he say to remove the husk of body consciousness? नहीं याद आया. You didn't remember it. हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा. I will break your every bone. फिर ये देहभान का छिलका कहाँ टिकेगा जब हड्डियाँ ही नहीं रहेंगी? Then where will this husk of body consciousness be when there won't be bones at all? खाल उधेड़ दूंगा. I will peel off your skin. कौन उधेड़ देगा? Who will peel it off? शिव बाप तो प्यार का सागर है. The father Shiv is in fact the ocean of love. फिर कौन उधेड़ देगा? Then who will peel it off? हैं? धर्मराज बाप के. Everyone धर्मराज. The father धर्मराज says it. धर्मराज बाप ब्रह्मा के मुख से कहते हैं ना? The father धर्मराज says it through Brahma's mouth, doesn't he? हैं? धर्मराज बाप कहते हैं. Does the father धर्मराज say it? ब्रह्मा के मुख से जो मुरली चलाई वो धर्मराज बाप चलाते हैं. The murli that was narrated through the mouth of Brahma, does the father Dharmaraj narrate it? Students, no. हाँ? कौन चलाता है? Who narrates it? शिव बाप कहते हैं या धर्मराज वाली आत्मा ब्रह्मा की आत्मा इंटरफियर करके बोलती है. Does the father Shiv narrate it or does the soul of Dharmaraj, the soul of Brahma interfere and speak? इंटरफियर करके बोलती है. He interferes and speaks. धर्मराज हड्डी हड्डी तोड़ देगा, खाल उधेड़ देगा. धर्मराज will break your every bone. He will peel off your skin. तो पक्का समझ लो. So understand this firmly. दूसरे धर्म पिताओं के बच्चों के लिए नहीं कहता हूँ. I don't say this for the children of the other religious fathers. उनसे कहूँगा indirect. I will speak indirectly to them. अखबारों के द्वारा. Through newspapers. टीवी के द्वारा. Through TV.
इंटरनेट के द्वारा, थ्रू इंटरनेट, डायरेक्ट प्रैक्टिकल में, साकार में उनके सामने आकर के नहीं कहूंगा। आई वोंट से इट डायरेक्टली टू देम, कमिंग इन फ्रंट ऑफ देम इन द कॉर्पोरियल फॉर्म। उनके सामने कयामत के समय में उनके धर्म पिताएं होंगे। Their religious fathers will be in front of them at the time of destruction. क्या कहा? What was said? मैं उनके सामने प्रैक्टिकल में नहीं होऊंगा। I won't be present in front of them in practice. मैं किसके सामने आता हूँ? In front of whom do I come? किसके सम्मुख आता हूँ? I come face to face with whom? है? भारतवासी बच्चों के सामने आता हूँ। I come in front of the Bharatvasi children. जो सृष्टि रूपी वृक्ष में, who in the world tree, आदि से लेकर के, from the beginning, सतयुग के आदि से, from the beginning of the golden age, और कलयुग के अंत तक, until the end of the iron age, जो सृष्टि वृक्ष का नीचे से लेकर के ऊपर तक एक ही तना गया है, the single trunk of the world tree that has gone from the bottom to the top, विधर्मी और विदेशियों की तरह दाएं बाएं मुड़ता है क्या वो तना? Does it turn left and right like the Vidharmis and the foreigners? नहीं मुड़ता है। It doesn't. उस तने में रहने वाले तुम जन्म जन्मांतर के भारतवासी बच्चे हो। You are the Bharatvasi children for many births who are present in that trunk. कहाँ के वासी? The residents of which place? भारतवासी, भा माने ज्ञान की रोशनी। The Bharatvasis. भा means the light of knowledge. रत माने लगा रहने वाला। रत means the one who is engaged. अर्थात? It means जो ज्ञान की रोशनी में ही आदि से लेकर के अंत तक लगा रहता है। The one who remains engaged only in the light of knowledge from the beginning till the end. सत्युग के आदि में, in the beginning of the golden age, प्रैक्टिकल इंद्रियों के द्वारा नारायण के रूप में, in the form of नारायण, through the इंद्रिया in practice, त्रेता में राम के द्वारा, and in the silver age through राम, प्रैक्टिकल इंद्रियों के द्वारा, through the इंद्रिया in practice, ऐसे कर्म करके दिखाता है। He performs such actions, श्रेष्ठ कर्म, elevated actions, जिन्हें श्रेष्ठाचारी कहा जाता है, which are called श्रेष्ठाचारी, meaning elevated behavior, और द्वापर में भी, and also in the copper age, बल द्वैतवादी युग आता है, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो भाषाएं, although the dualistic age arrives, two religions, two kingdoms, two clans, two languages, वहाँ भी इवन एट दैट टाइम विदेशी मेरे को पहचानते हैं। डू द फॉरेनर्स रिकॉग्नाइज मी? या वो भारत की आत्माएं पहचानती हैं जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रही है? और डू दोस सोल्स ऑफ भारत हु हैव बीन कन्वर्टिंग टू अदर रिलीजन्स रिकॉग्नाइज मी? है कन्वर्ट होने वाले मेरे बच्चे नहीं हैं। स्टूडेंट रिप्लाइड, दोस हु कन्वर्ट आरंट माई चिल्ड्रन। हैं वो भी नंबर वार भारतवासी। दे टू आर नंबर वाइज भारतवासी। सतयुग त्रेता में तो आते हैं। दे डू कम इन द गोल्डन एंड सिल्वर एज। लेकिन कच्चे ब्राह्मण हैं। बट दे आर वीक ब्राह्मण्स। नौ कुरियों में से बाद वाली कुरियों के ब्राह्मण हैं। दे आर द ब्राह्मण्स हु बिलोंग टू द लेटर कैटेगरीज अमंग द नाइन कैटेगरीज। जो ब्राह्मण सो कच्चे देवता बनते हैं। फ्रॉम ब्राह्मण्स दे बिकम इम्परफेक्ट डीटीज। कच्चे देवता सो ब्राह्मण होने के कारण दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं। फॉर बीइंग इम्परफेक्ट डीटीज फ्रॉम बीइंग ब्राह्मण्स दे कीप कन्वर्टिंग टू अदर रिलीजन्स। जो सूर्यवंशियों का आदि सनातन धर्म वालों का पक्का तना है, द फर्म ट्रंक ऑफ द सूर्यवंशीज ऑफ दोज हु बिलोंग टू द एंशिएंट डीटी रिलीजन, नीचे से लेकर ऊपर तक सीधा जाता है, दैट गोज स्ट्रेट फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप,
वहाँ के वासी नहीं है। दे द वीक ब्राह्मिन्स aren't those who live there. उन विधर्मियों को मैं नहीं समझाता हूँ। I don't explain to those विधर्मीस। उन विधर्मियों के सामने आकर नहीं कहता हूँ। I don't go in front of those विधर्मीस and speak. नहीं। No. बाप बच्चों के लिए वाणी चलाते हैं। The father narrates the vani for his children. चाहे माता के रूप में वाणी चलाते हैं। Whether he narrates the vani in the form of the mother. बड़ी ते बड़ी माता कौन? Who is the most senior mother? ब्रह्मा। ब्रह्मा। और चाहे पिता के रूप में वाणी चलाते हैं सुप्रीम टीचर बन करके। और ही narrates the vani in the form of the father as the supreme teacher. कौन? Who? राम बाप। The father Ram. राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। The father is called Ram and the child is called Krishna. तो राम बाप के द्वारा ये वाणी चलाते हैं। So he narrates this vani through the father Ram. तुमको जब ये मालूम ही पड़ गया, यू हैव सर्टेनली कम टू नो कि हम ही पावन देवताएं थे, वी अवरसेल्व्स वर प्योर डीटीज, और हम ही देवी देवता धर्म वाले थे, एंड वी अवरसेल्व्स बिलोंग टू द डीटी रिलीजन, अभी हम जान गए हैं, नाउ वी हैव कम टू नो कि द्वापर युग से जो पावरफुल धर्म पिताओं की आत्माएं आती हैं सत्यधाम से डायरेक्ट, वो पावरफुल आत्माओं की मत पर, दैट थ्रू द डायरेक्शंस ऑफ द सोल्स ऑफ द पावरफुल रिलीजियस फादर्स दैट डिसेंड डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रू अबोड फ्रॉम द कॉपर एज, उनकी शैतानी की मत पर हम बड़े से बड़े शैतान बन गए। थ्रू देयर डिमोनिक डायरेक्शंस We became the biggest demons. हम क्यों बन गए? Why did we become that? एक बड़े राजा का बच्चा हो। Suppose there is a child of a big king. और एक गरीब का बच्चा हो। And a child of a poor. दोनों ही कुसंग में आ जाएं। If both of them come in bad company. तो ज्यादा खतरनाक कौन सा बच्चा बनेगा? Which child will become more dangerous? Students, the child of the king. तो तुम बड़े थे बड़े बापों का बाप। So, you are the children of the greatest father of the fathers. धर्म पिताओं का भी बाप। The father of even the religious fathers. जगत पिता। That is, जगत पिता, the world father. और जगत पिता का भी बाप? है परम पिता, सर्वशक्तिवान के बच्चे हो। एंड द फादर ऑफ इवन जगत पिता इज परम पिता, मीनिंग द सुप्रीम फादर द ऑलमाइटी। तो तुम कुसंग में आकर के दुनिया में सबसे जास्ती क्या बन गए? सो बाय कमिंग इन बैड कंपनी व्हाट हैव यू बिकम द मोस्ट इन द वर्ल्ड? पतित बन गए। You have become the most impure. बरोबर शैतान की मत पर पतित बने हैं। Truly, you have become impure on the directions of the demon. किसकी मत पर? On whose direction? शैतान की मत पर पतित बने हैं। You have become impure on the directions of the demon. शैतान रावण को कहा जाता है। Ravan is called the demon. रुलाने वाले को रावण कहा जाता है। The one who makes others cry is called Ravan. कौन हुए रावण रुलाने वाले? Who is Ravan who makes others cry? ये जो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट और उनके फॉलोअर्स। These Abraham, Buddha, Christ and their followers. यथा राजा तथा प्रजा। As is the king, so are the subjects. ये बड़े से बड़े दुनिया के शैतान हैं। दीज आर द बिगेस्ट डीमंस ऑफ द वर्ल्ड। कामी इस्लामी क्रोधी
क्रिश्चियंस, लोभी मुस्लिम वगैरह वगैरह. द लस्टफुल इस्लामिक पीपल, द एंग्री क्रिश्चियंस, द ग्रीडी मुस्लिम्स एटसेट्रा. इन सबके संग के रंग में आकर. By coming in the color of the company of all of them, क्योंकि ये सब धर्म वालों के followers, it is because the followers of all these religions, time to time भारत में आकर के, भारत माता की गोद में आकर के राज्य करते हैं. Come in Bharat, meaning India, on the lap of Mother India, from time to time and rule there. दिल्ली के तख्ते पर सब धर्म वालों ने राज्य किया है. People of all the religions have ruled on the throne of Delhi. क्या समझे? What did you understand? ये भारत है, मात्र देश है. This Bharat is the mother country. कौन सा देश? What country? मात्र देश. The mother country. भारत माता कहा जाता है. It is said Bharat Mata, meaning Mother India. भारत पिता कहा जाता है. Is it said Bharat Pita, meaning Father India? तो मातृ देश है. Students, no. So it is the mother country. माता की गोद में कैसे भी खराब से खराब कोढ़ी काने लुच्चे लफंगे चोर डकैत बच्चे ही क्यों न हो. On the lap of the mother, be it the worst children of any kind, be it the children who are lepers, one-eyed, depraved, thieves or dacoits, members of an armed gang of robbers. माँ के नजदीक आते हैं. When they come close to the mother, तो माँ उनको अपनी गोद में रख लेती है, रखना चाहती है या दूर फेंक देती है. Does the mother take them on her lap? Does she want to take them on her lap or does she throw them away? Students replied. तो ये विदेशी विधर्मी आतताई बन करके भारत में आते रहे. So these विदेशी विधर्मी kept coming to Bharat, becoming tyrants. हिस्ट्री उठा के देख लो. Look into the history. भारत ने, भारत माता ने इन्हें अपनी गोद में रहने का स्थान दिया या नहीं दिया? दिया. Did Bharat, भारत माता, give them a place to stay on her lap or not? She did. इसका practical proof है. दिल्ली की राजधानी ही दुनिया में एक ऐसा शहर है. The practical proof of this is the capital Delhi, which is the only city in the world. एक ऐसी राजधानी है. The only capital. जहाँ सब धर्म के लोग अपना अड्डा जमाए बैठे हैं. ज्यादा से ज्यादा तादाद. Where people of all the religions have settled in a maximum number. ऐसा दुनिया का एक भी शहर नहीं है. There isn't a single city like this in the world. तो ये मातृ देश है. So, this is the mother country. मातृ देश की राजधानी है दिल्ली. The capital of the mother country is Delhi. यहाँ जगह सबको मिली है. Everyone has received a place here. लेकिन बाप वाणी किसके लिए चलाते हैं? But for whom does the father narrate the वाणी? भले यहाँ आकर रहते हैं. Although they come and stay here. लेकिन वाणी उन बच्चों के लिए चलाते हैं जो कभी भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं हुए. He narrates the वाणी for those children who have never converted to the other religions. तो अभी? So now. खास करके तुम बच्चों को शैतानी पहले छोड़ देनी चाहिए. Especially you children have to leave the demonic attitude first. शैतान है रावण. रावण is the demon. रावण के 10 सिर दिखाए जाते हैं. रावण is shown to have 10 heads. 5 विकार पुरुष रूप में. 5 vices are in the male form. इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक वगैरह वगैरह. Abraham, Buddha, क्राइस्ट, गुरु नानक एटसेट्रा. और उनकी सहयोगिनी शक्तियाँ भी तो उतरी होंगी परम नाम से. एंड सर्टनली देयर कोऑपरेटिव शक्तिज आल्सो मस्ट हैव डिसेंडेड फ्रॉम द सुप्रीम अबोर्ड. है? नहीं. मजंड दे. उतरती हैं. दे डू. परंतु वो आत्माएं तो सत्य धाम से आने के कारण उस समय सात्विक होती हैं. बट दोस सोल्स
because of coming from the true abode, are sattvic at that time. Sattvic means endowed with the quality of sattva, true, pure, genuine. वो जिनमें प्रवेश करती हैं, वो भारत के कच्चे ब्राह्मण सो कच्चे देवता आत्माएं होती हैं। Those in whom they enter are the weak Brahmins. So then, the weak deity souls of Bharat, जो सतयुग त्रेता से ही जन्म लेते हुए आती हैं द्वापर में, who come in the copper age, being born from the golden and silver age itself, सुख भोगते भोगते इंद्रियों से कमजोर पड़ जाती हैं। Experiencing happiness continuously through the indriya, they become weak. Indriya means literally organs, including karmendriya, meaning parts of the body used to perform actions, and gyanendriya, meaning the sense organs. उन कमजोर आत्माओं में वो पावरफुल धर्म पिताएं प्रवेश करते हैं और उनको कन्वर्ट कर लेते हैं. The powerful religious fathers enter those weak souls and convert them. कच्ची आत्माएं हैं. They are imperfect souls. उनका नाम दिया है मंदोदरी. They have been named Mandodari, meaning Mandodari, wife of Ravan in the epic Ramayana. उदर माने पेट. उदर means stomach. कैसी उदरी? What kind of उदरी? मंद बुद्धि वाली. The one with a dull intellect. जो रावण के संग में आकर के जन्म जन्मांतर ऐसी बुद्धि वाली बन जाती है. She comes in the company of Ravan and becomes the one with such an intellect for many births. कि सत्य भगवान इस सृष्टि पर आता है. That when true God comes to this world, तो भी सत्य बाप की सच्ची वाणी को नहीं पहचान पाती. Even then, she is unable to recognize the true vani of the true father. पहचान करके भी विरोध करने लग पड़ती है. She opposes it even after recognizing it. बच्चा भी बनती है. She also becomes his child. लेकिन कम कुरी के ब्राह्मण. But she becomes a Brahmin of the lower category. और कच्ची रह जाने के कारण. And because of remaining imperfect. दूसरों को अपना बाप बना के बैठ जाती. She makes someone else her father. माने परमत पर चलने लग पड़ती. It means she starts following परमत, meaning others direction. दूसरों के संगठन में आ जाती और बाप को छोड़ बैठती. She goes in the gathering of the others and leaves the father. तो पहचान होनी चाहिए पक्के पक्के. So you should have the true identification. कि हम पक्के पक्के भारतवासियों का देहद का बाप कौन है. Who the unlimited father of us true Bharatvasis is. हम उसकी मत पर चलेंगे. We will follow his directions. जो आत्मा विवानी बच्चे पुरुषार्थ करके अपन को ज्योति बिंदु आत्मा की स्मृति में टिकाए लेते हैं. The soul conscious children who after making purushart stabilize themselves in the consciousness of the point of light soul. उन बच्चों का बाप आया हुआ है. The father of those children has come. आत्माभिमानियों का बाप. The father of the soul conscious ones. देव आत्माओं का बाप आया हुआ है. The father of the deity souls has come. विकारों में डूबते रहना. To keep drowning in vices. ये तो जन्म जन्मांतर है जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं. Those who have converted to the other religions for many births. उन धर्म पिताओं की मत पर चल करके देह अभिमानी विकारियों विकारी धर्म पिताओं के बच्चे बन पड़े. Following the directions of those religious fathers, you have become the children of the body conscious vicious religious fathers. Kam, Islam, Krodhi, Christ. The lustful Islam, the angry Christ, meaning Christians. Lobhi, Muslim, jinhone janm janmantar Bharat par dakait ban karke akraman kiye. The greedy Muslims who attacked India like dacoits for many births. खून की नदियां बहाई लोभ के आधार पर.
They made rivers of blood flow because of greed. कि सोमनाथ मंदिर में अथाह धन है। They thought there is immense wealth in the Somnath temple. चलो लूटें। Let us loot it. तो लोभ हुआ ना? So this is greed, isn't it? ऐसे लोभियों के संग के रंग में आकर के शैतान बन पड़े हैं। After coming in the color of the company of such greedy ones, they have become demons. और बाप को भूल जाते हैं। And they forget the father. पहचान करके भी भूल जाते हैं। They forget the father even after recognizing him. एक बाप की मत पर न चल करके Not following the direction of the one father. एक बाप से अभिविचारी ज्ञान न सुन करके Not listening to the unadulterated knowledge from the one father. अनेकों से ज्ञान सुनने लग पड़ते हैं। They start listening to the knowledge from many. विविचारी ज्ञान हो जाता है। The knowledge becomes adulterated. ऐसी आत्माएं विविचारी धर्मों में कन्वर्ट हो जाती हैं द्वैतवादी द्वापर युग से। Such souls convert to the adulterated religions from the dualistic copper age. तुम बच्चे तो सदा You children are always सत्य बाप के द्वारा जो धर्म स्थापन किया हुआ है सनातन धर्म The religion that is established by the true father the सनातन धर्म meaning ancient religion सनत कुमार के बच्चे हो You are the children of सनत कुमार जिसके नाम पर सनातन धर्म पड़ा On whose name the सनातन धर्म was named नाम सनातन धर्म सत्य सनातन धर्म द नेम इज द ट्रू एंशियंट रिलीजन सत्य सनातन धर्म जो सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक कहीं न कहीं इस भारत वर्ष में जरूर कायम रहता है इट इज श्योरली प्रेजेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द गोल्डन एज टिल द एंड ऑफ द आयरन एज Somewhere on this land of Bharat. आज भी ऐसे ऐसे बिरले परिवार हैं भारत में Even today, there are such rare families in Bharat. जहाँ 60-60, 70-70, 80-80 लोग एक परिवार में एक चूल्हे पर खाना खाते हैं Where 60-70-80 members in a family eat the food cooked in the same kitchen. Meaning, they live in harmony. उनका एक ही मुखिया होता है They have only one head. उसी मुखिया की मत पर चलते हैं। They follow the directions of the same head. जो भाषा मुखिया बाप की, वही भाषा सब बच्चों की होती है। All the children have the same language as that of the head, the father. ऐसे नहीं उस परिवार का एक बच्चा कांग्रेसियों की भाषा बोले। It isn't that one child of that family speaks the language of the congressmen. दूसरा बच्चा बहुजन समाजवादी पार्टी की बच्चा बात बोले द सेकेंड चाइल्ड स्पीक्स ऑफ द बहुजन समाजवादी पार्टी और तीसरा बच्चा कम्युनिस्ट पार्टी की बोल बोले एंड द थर्ड चाइल्ड स्पीक्स द वर्ड्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस बहुजन समाजवादी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी आर नेम्स ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया ऐसा नहीं हो सकता दिस कांट हैपन तो वो सनातन धर्म की प्रक्रिया कलयुग के अंत में आज भी भारत में प्रायः लोप है सो द प्रोसेस ऑफ द सनातन धर्म इज स्पेरिंगली एग्जिस्टिंग एट द एंड ऑफ द आयरन एज इवन टुडे इन इंडिया तुम उन बच्चों में से चुने हुए बच्चे हो यू चिल्ड्रन आर द सिलेक्टेड चिल्ड्रन फ्रॉम अमंग देम तो जब तुमने अपने को पहचान लिया सो When you have recognized yourselves, कि हम एक ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं। We are the children of the one sun of knowledge. क्या? What? चंद्रवंशी नहीं है चंद्रमा के बच्चे। We aren't Chandravanshi, that is, those belonging to the moon dynasty, the children of the moon. सूर्यवंशी नहीं, सूर्यवंशी हैं। We are Suryavanshi, meaning those belonging to the Sun dynasty. तो अपने वंश का
मान रखना चाहिए ना। सो यू शुड प्रिजर्व द ऑनर ऑफ योर डायनेस्टी, शुडंट यू? जान लेना चाहिए। यू शुड नो कि ये जो विकारी मत है, दैट दीज विशियस डायरेक्शंस, पांच विकारों का रास्ता, द पाथ ऑफ द फाइव वाइसेस, ये शैतानों की मत है, दीज आर द डायरेक्शंस ऑफ द डीमंस, ये मत छोड़ना पड़े, यू हैव टू लीव दीज डायरेक्शंस। और उन विकारों में भी जो पहले नंबर का विकार मुखिया है वो कौन? एंड इवन अमंग दोस वाइसेस द नंबर वन वाइस द चीफ विच वन इज इट? काम विकार, द वाइस ऑफ लस्ट, कामांग, द ऑर्गन ऑफ लस्ट, उसकी एक्ट जो पुरुषों में खास देखी जाती है, इट्स एक्ट विच इज स्पेशली सीन इन मेल्स, दुर्योधन दुशासन बन करके बहुत दुख देते हैं, दे गिव अ लॉट ऑफ सोरो बाय बिकमिंग दुर्योधन एंड दुशासन, दुष्ट युद्ध करते हैं, दे फाइट अ विकेड वॉर, प्यार का युद्ध करते हैं, डू दे फाइट द वॉर ऑफ लव, दुष्ट युद्ध करते हैं, दुष्ट शासन करते हैं, दे फाइट अ विकेड वॉर, दे रूल इन अ विकेड वे, ऐसे दुर्योधन दुशासनों के चंगल में आकर के, बाय कमिंग इन द क्लचेस ऑफ सच दुर्योधन एंड दुशासन, भारत की माताएं जो कभी शिव शक्तियां थी, द मदर्स ऑफ भारत हु वर शिव शक्तिज वन टाइम, शिव शक्तिज कॉन्सोर्ट्स ऑफ शिव, हियर इट मीन्स टू बी पावरफुल, वो अबलाएं बन जाती हैं, दे बिकम वीक, क्या बन जाती हैं? व्हाट डू दे बिकम? अबलाएं बन जाती हैं कलयुग के अंत तक आकर, दे बिकम वीक बाय द एंड ऑफ द आयरन एज। तो ये तुम्हारी बुद्धि में जो पहला नंबर का विकार है, सो दिस नंबर वन वाइस दैट इज इन योर इंटेलेक्ट, वो तो छोड़ना ही पड़े, यू सर्टेनली हैव टू लीव इट। बच्ची वो दिन जल्दी ही आ जाएंगे, डॉटर दोज डेज विल कम सून, जबकि कभी भी कोई भिकारी, वेन नो विशियस पर्सन, इस ब्राह्मण परिवार के संगठन में पांव भी नहीं रख सकेगा, विल एवर बी एबल टू इवन स्टेप इन द गैदरिंग ऑफ दिस ब्राह्मण फैमिली। क्या? वॉट? अभी तो दुर्योधन दुशासन घुसे पड़े हैं, नाउ दुर्योधन्स एंड दुशासन्स हैव इंट्रूडेड, कीचक घुसे पड़े हैं, गंदे डर्टी ब्रूट्स जो शिव की शक्तियों को अबला बनाते हैं, बरगलाए बरगलाए करके, कीचक्स डर्टी ब्रूट्स हु मेक शिव्स शक्तिज वीक बाय मिसलीडिंग देम हैव इंट्रूडेड। कीचक विलेनस कैरेक्टर इन द एपिक महाभारत। तो पक्का समझो, सो अंडरस्टैंड फर्मली कि अभी जल्दी ही वो दिन आने वाले हैं, दैट सून दोज डेज आर गोइंग टू कम, जबकि कोई भी पतित आकर के सभा में बैठ नहीं सकेंगे, जो संघ के रंग में आकर पतित होते रहते हैं, वेन नो इम्प्योर वंस हु कीप बिकमिंग इम्प्योर बाय कमिंग इन द कलर ऑफ द कंपनी विल बी एबल टू सिट इन दिस गैदरिंग। किसके संग के रंग में? इन हूज कलर ऑफ द कंपनी? विकारियों के संग के रंग में रोज आते हैं। दोज हु कीप कमिंग इन द कलर ऑफ द कंपनी ऑफ द विशियस वंस डेली, रोज विकारी बनते हैं। हु बिकम विशियस डेली? उन विकारियों को ये संग में नहीं रहना है। यू शुडंट स्टे इन द कंपनी ऑफ दोज विशियस वंस। अगर उनके साथ बैठ करके रह करके, इफ यू सिट विद देम स्टे विद देम, दिन का 24 घंटे का लंबे समय का टाइम बिताएंगे,
and spend a long time of 24 hours a day with them. और एक दो घंटे के लिए सत्य बाप का सत्संग करेंगे. And have the true company of the true father for 1 to 2 hours. तो ज्यादा संग किसका लगेगा? Then by whose company will you be more colored? है? बिकारियों का संग लगेगा. You will be colored by the company of the vicious ones. ऐसे जो भिकारी बन करके यहाँ बाप की सभा में बैठे हुए हैं. Those who are sitting here in the gathering of the father after becoming vicious like this. और अभी तक बैठे रहे हैं. And who have been sitting until now. बाबा ने पहले ही बता दिया था. बाबा already said it. वो ही सब ब्राह्मणों की सभा में आगे चल करके. In this gathering of the Brahmins, in the future, they. क्या? What? बैठ सकेंगे? Will they be able to sit? बैठ भी नहीं सकेंगे. They won't even be able to sit. भले कोई भी हो. Let it be anyone. क्या कहा? What was said? मान लो कोई बड़ा सहयोगी हो. Suppose there is some person who is a great helper. बहुत धन देता हो. He is giving a lot of wealth. है? क्योंकि पांडवों को 3 पैर पृथ्वी तो चाहिए. It is because the Pandavas do require 3 feet of land. बड़े बड़े मकान देने वाला हो. कोई भी हो. He is the one who gives big buildings. Let it be anyone. वो भी आगे चल करके आएंगे. They too will come in the future. वो समय भी आएगा. That time to forbid them to come will also come. अभी वो समय नहीं है संख्याचट में. Now it is not the time in the year 1966. क्या कहा? What was said? कि उनको मना कर दें. It isn't the time so that they could be stopped. क्या? What? कि तुम संग दोष में आने वाले हो. You are the ones who come under the influence of bad company. अन्न दोष में आने वाले हो. Under the influence of bad food. तुम्हारी बुद्धि सुधर नहीं सकती. Your intellect can't reform. मना कर देंगे. They will be stopped. अभी वो समय नहीं आया है. कब? Now that time hasn't come. When? संख्या छठ में. In the year 1966. अभी तो शुरुआत है. Now it is the beginning. क्या? What? शुरुआत में प्यार से समझाया जाता है. Is someone explained with love in the beginning? कि कड़क रूप धारण किया जाता है. Or is the strict form adopted? Yes. Student, he is explained with love. तो शुरुआत है. So it is the beginning. समझते हैं? ये बेसिक नॉलेज लेने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं. He thinks those who take the basic knowledge are very small children. बालिक बुद्धि है या नाबालिक बुद्धि है? Are they the ones with a mature intellect or an immature intellect? है? बालिक बुद्धि नहीं है. They aren't the ones with a mature intellect. बुद्धि से matured नहीं है. They aren't mature with respect to the intellect. इसलिए भगवान के इशारों को, भगवान की बातों को दरकिनार कर देते हैं. This is why they put aside God's indications, God's words. तो फिर ही छोड़ना पड़ता है. So he has to let them free. कब की बात? This is about when? है? आद की बात बताई छाछठ की. It was said about the beginning, about 66. जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे. When Brahma Baba was alive. ब्रह्मा की गोद में बच्चे खेलने वाले थे. The children used to play on the lap of Brahma. तो गोद में खेलने वाले बच्चों के साथ माँ बाप प्यार से पेश आते हैं. So, do the parents treat the children who play on their lap with love? या कठोर बर्ताव करते हैं? Or do they behave strictly? है? शास्त्रों में भी लिखा है. It has also been written in the scriptures. पंच वर्षाणि लाडन्ति. पंच वर्षाणि लाडन्ति. क्या?
व्हाट? 5 वर्ष तक बच्चों को प्यार ही लाड़ ही करना चाहिए. इट मीन्स यू शुड गिव ओनली लव टू द चिल्ड्रन टिल दे आर 5 years ओल्ड. फिर धीरे धीरे 10 वर्षाणि ताड़न्ति. देन ग्रेजुअली 10 वर्षाणि ताड़न्ति. 15 वर्ष तक ताड़ना भी देनी पड़ती है. इट मीन्स यू ऑल्सो हैव टू पनिश देम टिल दे आर 15 years ओल्ड. तो अभी बच्चों को फ्री छोड़ना पड़ता है. सो नाउ द चिल्ड्रन हैव टू बी लेट फ्री. परंतु जब समय आएगा. बट वेन द टाइम कम्स. कौन सा समय आएगा? वॉट टाइम विल कम? है क्या समय आएगा? वॉट टाइम विल कम? बाबा ने तो इशारा दे दिया. इन फैक्ट बाबा हैज गिवन एन इंडिकेशन. बच्चों के सामने पहली मूर्ति प्रत्यक्ष होती है प्यार में ही, ममता में ही, माँ की. द फर्स्ट पर्सनैलिटी ऑफ लव एंड अफेक्शन ऑफ द मदर इज रिवील्ड इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन. तो वेद के बच्चों के सामने भी कौन सी मूर्ति त्रिमूर्ति में से प्रत्यक्ष हुई? सो विच पर्सनैलिटी अमंग द त्रिमूर्ति थ्री पर्सनैलिटीज इज रिवील्ड इन फ्रंट ऑफ द अनलिमिटेड चिल्ड्रन एज वेल? है ब्रह्मा माँ की मूर्ति. द पर्सनैलिटी ऑफ द मदर ब्रह्मा. प्यार भई भरी ममता मई मूर्ति. द पर्सनैलिटी फुल ऑफ लव एंड अफेक्शन. लेकिन इशारा दे दिया. बट एन इंडिकेशन वॉज गिवन. वो समय भी आएगा. सच अ टाइम विल ऑल्सो कम. तो फिर किसको भी अंदर आने का अलाउ नहीं करेंगे. वेन नो वन विल बी अलाउड टू कम इन. क्या? वॉट? जो विकारियों के संग में लगातार आते रहते हैं. Those who continuously come in the company of the vicious people. विकारियों के अन्न दोष में आते रहते हैं. Those who keep coming in the influence of the bad food of the vicious people. उनको अंदर में आने का अलाउ नहीं करेंगे. They won't be allowed to come in. क्यों? Why? अभी माँ की गोद में पल रहे हैं तो अलाउ करते हैं. Now, when they are being sustained on the lap of the mother, they are allowed. बड़े हो जाएंगे तो समझदार हो जाएंगे. When they grow up, they will become intelligent. तो फिर allow क्यों नहीं करेंगे? Then, why won't they be allowed? हैं? नहीं. Students replied, no. यहाँ तो? In fact, here. जैसे गीता में कहा है. For example, it is said in the Gita, Chaturvarnyam mayasastam gunakarma svabhavasah. Chaturvarnyam mayasrishtam gunakarma svabhavatah. भगवान कहते हैं कि मैंने चार वर्णों की रचना की है. It means God says, I have created 4 varnas, meaning classes. उनके गुणों को देख करके. Looking at the quality of the souls. उनके कर्मों को देख करके, उनके स्वभाव को देख करके. Their actions and their nature. क्या? What? सांप का स्वभाव क्या होता है बिच्छू का? What is the nature of a snake, a scorpion? है? कितना भी प्यार करो, कितना भी दूध पिलाओ, क्या करेगा? काटेगा जरूर. However much you love it, feed it with milk. What will it do? It will definitely bite you. तो अभी तो allow करते हैं 66 में. So now they are allowed in 66. तो क्या ब्रह्मा की मूर्ति का ही कार्य चलता रहेगा? So will just the task of the personality of Brahma go on? है? शिव की तो 3 मूर्तियां हैं ना? There are in fact 3 personalities of Shiv, aren't there? 3 मूर्तियां हैं क्या? 1 मूर्ति? Are there 3 personalities? और 1 personality? मूर्ति माने साकार या आकार अमूर्त? Does मूर्ति that is personality mean corporeal और आकार अमूर्त? आकार means subtle, अमूर्त formless. साकार माने मूर्ति, corporeal means मूर्ति. तो पहली मूर्ति का ही कार्य अंत तक नहीं चलता रहेगा. So not only the task of the first personality will go on till the end. ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना के बाद क्या होगा?
After the establishment of the Brahmin religion through Brahma, what will happen? जो ब्रह्मा की गोद में पलने वाले नौ कुरियों के ब्राह्मण हैं नंबर वार, उनकी छटनी की जाएगी। The number wise, meaning at different levels, Brahmins of the nine categories who are sustained on the lap of Brahma will be sorted. नहीं। Won't they? की जाएगी या नहीं? की जाएगी। Will they or not? They will. फिर कोई भिकारी को अलाउ नहीं करेंगे। Then no vicious one will be allowed. भिकारियों का संग लेने वालों को। Those who take the company of the vicious ones. भिकारियों के हाथ का अन्न खाने वालों को। Those who eat the food cooked by the vicious ones. भिकारियों के द्वारा कमाए हुए अन्न को खाने वालों को अलाउ नहीं करेंगे। Those who eat out of the earnings of the vicious ones. Won't be allowed. बोलेंगे। It will be said to them. क्या बोलेंगे? What will be said? है? बोलेंगे माना ब्रह्मा के मुख से बोलेंगे क्या? It will be said means will it be said through the mouth of Brahma? जो माँ प्यार भरा मुख वाली होती है उसके मुख से बोलेंगे। The mother who has a loving face. Will he say it through her mouth? हाँ? नहीं। No. त्रिमूर्ति में ध्यान से देखो। Look carefully at the picture of the त्रिमूर्ति। कौन सी मूर्ति सहज सहज है? बैठी हुई है सहज भाव से। Which personality is sitting comfortably with an easy nature? और कौन सी मूर्ति कड़क होके बैठी है? And which personality is sitting in a strict posture? है? शंकर कड़क। हाँ। Students, शंकर is sitting in a strict posture. Yes. अगर प्यार से नहीं मानेंगे। If you don't reform with love. तो जो कड़क पार्ट है। The strict part. मुरली में क्या बोला? है? What has been said in the मुरली? विनाश काल में मार्शल लॉ लगेगा। द मार्शल लॉ विल बी एनफोर्स्ड एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन। मार्शल लॉ में किसका शासन होता है? हुज कंट्रोल इज इट इन द मार्शल लॉ? है मिलिट्री का शासन होता है। इट इज द मिलिट्री रूल। हमारी है रूहानी मिलिट्री। अवर्स इज द स्पिरिचुअल मिलिट्री। रूह की स्थिति में आत्मा की स्थिति में स्थित होने वालों की मिलिट्री। It is the military of those who stabilize in the stage of the spirit, the soul. देवान में रहने वालों की मिलिट्री नहीं है। It isn't the military of those who are body conscious. जो आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं। Those who are the children of the sun of knowledge, who stabilize in the soul conscious stage. वो देवानियों पर विश्वास नहीं करेंगे। Won't trust the body conscious ones. देह अभिमानियों से मित्रता नहीं करेंगे। They won't make friends with the body conscious ones. किसका डायरेक्शन मानेंगे? Whose direction will they follow? है? एक रूहानी बाप का डायरेक्शन मानेंगे। They will follow the direction of the one spiritual father. रूहानी बाप कौन सी मूर्ति के द्वारा डायरेक्शन देगा? थ्रू विच पर्सनैलिटी विल द स्पिरिचुअल फादर गिव डायरेक्शन? है शंकर है रूहानी मिलिट्री का मार्शल। शंकर इज द मार्शल ऑफ द स्पिरिचुअल मिलिट्री। मुरली में क्या बोला? व्हाट हैज बीन सेड इन द मुरली? रूहानी मिलिट्री का मार्शल कौन? शंकर। हु इज द मार्शल ऑफ द स्पिरिचुअल मिलिट्री? शंकर। झाड़ के चित्र में ऊपर बैठा हुआ है। He is sitting on the top in the picture of the kalpa tree. सभी आत्माओं की डोरी उसके हाथ में है। The string of all the souls is in his hands. बुद्ध रूपी हाथ में। In his hand like intellect. उस बुद्धि के आकर्षण से सभी मनुष्य आत्माओं को नंबर वार खींच रहा है। He is attracting all the human souls number wise. With the attraction of his intellect.
उसे मूर्ति के द्वारा बोलेंगे। He will speak through that personality. जिसका नाम एकमात्र है, जो मेरे नाम के साथ जोड़ा जाता है। The only one whose name is combined with my name. कौन बोला? Who said it? शिव बाप बोला। The father Shiv said it. किसका नाम जोड़ा जाता है शिव के साथ? Whose name is combined with that of Shiv? एकमात्र शंकर का नाम जोड़ा जाता है। Only Shankar's name is combined with him. कोई देवता का नहीं। The name of no deity is. नारायण का नहीं। The name of Narayan isn't. ब्रह्मा का नहीं, विष्णु का नहीं। Neither Brahma's name nor Vishnu's name is. एक का ही नाम जोड़ा जाता है। The name of only one is combined with him. कोई राक्षस का भी नहीं, मनुष्य का भी नहीं। Neither any demon's name nor the name of any human being is. एक ही आत्मा है जो शरीर धारण करके इस रंगमंच पर है, शंकर के नाम रूप से प्रत्यक्ष है। There is only one soul who takes on a body and is revealed with the name and form of Shankar on this stage. आज भी उसकी यादगार दिखाई जाती है। His memorial is shown even today. दुनिया में सबसे जास्ती मूर्तियाँ किसकी मिलती हैं? Whose idols are found the most in the world? है? नग्न रूप, आत्मिक रूप में स्थिर, देहभान रूपी कपड़े को छोड़ने वाले शंकर की मूर्ति मिलती है। The idols of Shankar, who is naked, who is stable in the form of the soul, who renounces the clothes of body consciousness, are found. उसके द्वारा बोलेंगे। He will say through him. क्या? What? ये पतित है। This one is sinful. ये मूत पलीती है। This one is dirtied with the urine of lust. पतितों का संग छोड़ने वाला नहीं है। He isn't the one who leaves the company of the sinful. क्या? What? इनको बाहर निकालो। Drive them out. क्या बोलेंगे? What will he say? इनको जो अव्वल नंबर के ब्राह्मण सो देवता बनने वाले अल्लाह के द्वारा अव्वल दीन अव्वल धर्म स्थापन करने वाले हैं, उनके संगठन से इनको बाहर निकालो। Throw them out of the gathering of those who become the number one deities from Brahmins, who establish the Awwal Deen, that is, number one religion through Allah. यहाँ नहीं बोलेंगे। He won't say it here. माने 66 में जो सभा लगी हुई थी ब्राह्मणों की। It means the gathering of the Brahmins in 66. ब्रह्मा की गोद में बैठने वाले मिक्स ब्राह्मणों की जो सभा थी। The gathering of the mix of Brahmins who sat on the lap of Brahma. उस सभा में नहीं बोलेंगे। He won't say it in that gathering. इंद्र के? इंद्र, the deity of rain, also the king of the deities. ये ज्ञान इंद्र है ना? This one is the Indra of knowledge, isn't he? क्या? What? किसके बच्चे हैं? Whose children are they? इंद्र के बच्चे हैं। They are the children of Indra. इंद्र किसका नाम है? Whose name is Indra? जिसने इंद्रियों को जीता उसका नाम इंद्र है। The one who gained victory over the Indriya is named Indra. इंद्र राजा को भी कहा जाता है। A king is also called Indra. राजा वो ही बनते हैं जो राजयोग सीख करके अपनी इंद्रियों पर राजा ही करते हैं। Only those who learn Raj Yoga and rule their Indriya become kings. तो ये इंद्र के। So, these are Indras. ये ज्ञान इंद्र है ना? This one is the Indra of knowledge, isn't he? क्या? What? इंद्र क्या करता है? What does Indra do? बरसात का देवता कौन है? Who is the deity of rain? इंद्र। इंद्र। कौन सी बरसात? Which rain? ज्ञान बरसात का जो देवता है, राजा है, उसे इंद्र के। इंद्र, who is the deity, the king of the rain of knowledge, his? ये ज्ञान इंद्र है। This one is the Indra of knowledge. इनकी सभा में कोई भी हो, फिर आने नहीं देंगे। Let it be anyone. Later, he won't be allowed to come in his gathering.
अभी तो आने देते हैं। नाउ दे आर सर्टेनली अलाउड टू कम। कभी? व्हेन? है? छाछठ में तो आने देते हैं। दे आर अलाउड टू कम इन 66। आने देते हैं ना बच्ची? दे आर अलाउड टू कम डॉटर, aren't they? है? बच्ची क्यों कहा? Why did Baba say daughter? है? बच्ची कह के बताया कि अभी बाप का कौन सा रूप है? By saying daughter, which form of the father did he say it is now? प्यार भरा माता का रूप है। It is the loving form of the mother. अभी भी। Even now. जिसे तुम बाप दादा कहते हो। The one whom you call बाप दादा। वो बाप कौन है? Who is that father, meaning बाप? है? आत्माओं का बाप, मनुष्यों का बाप है। He is the father of the souls, the father of the human beings. कौन है? Who is he? बेहद का बाप। The unlimited father. और उसके साथ? And along with him. चंद्रमा के रूप में बैठा हुआ कौन है? Who is sitting in the form of the moon? कौन है? Who is he? मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता, दादा। The first leaf of the human world, दादा। वो बाप भी है और एक ही शरीर में दादा भी है। He is the father and there is dada as well in the same body. वो दादा वाली आत्मा। Is that soul of dada? ममता मई माता का पार्ट बजाने वाली है या नहीं है? है? The one who plays the loving part of the mother or not? वो माता अभी भी अधूरे रूप में, अधूरे चंद्रमा के रूप में मस्तक पर विराजमान है। That mother is seated on the head even now in an incomplete form, in the form of the incomplete moon. ये माता और पिता, This mother and father, बेहद के माता और पिता, साकार मनुष्य सृष्टि के, The unlimited mother and father of the corporeal human world, अभी भी बच्चों के सामने हैं, are present in front of the children even now. इसलिए अभी तो आने देते हैं। This is why they are certainly allowed to come now. क्योंकि अर्धनारीश्वर का रूप है। Because it is the form of अर्धनारीश्वर, meaning the half male and half female form of Shankar. कैसा रूप है? What kind of a form is it? अर्धनारीश्वर का रूप है। It is the form of अर्धनारीश्वर. आधा पुरुष रूप और आधा स्त्री रूप। A half man and half woman form. मनस साकार में दोनों पार्ट बजाने वाला है। It means he plays both the part in the corporeal form. क्या? What? प्यार का पार्ट बजाने वाली माता भी है। He is the mother who plays the loving part. और कड़क पार्ट बजाने वाला पिता भी है। As well as the father who plays the strict part. तो अभी तो आने देते हैं। So, now they are certainly allowed. आने देते हैं ना बच्ची? बच्ची क्यों कहा? They are allowed daughter, aren't they? Why did he say daughter? अरे बच्ची कौन कहता है? अरे, who says daughter? बाप कहता है। The father says it. माँ तो नहीं कह रही है। Isn't the mother saying it? है? अभी allow करते हैं। Now they are allowed. कि माँ का प्यार थोड़ा बता, थोड़ा बहुत टाइम रह गया है, तो ले लो। There is some time, so take the mother's love. क्या? What? फिर क्या होगा? Then what will happen? है? जिस माँ के लिए बोला है। The mother for whom it is said. ब्रह्मा के लिए ही बोला है। It is said for Brahma himself. कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर है, इस आत्मा का 50 वर्ष का पार्ट नहीं है। That this soul doesn't have a part for 50 years on this stage-like world. क्या? What? 18 जनवरी 1969 से लेकर के 50 वर्ष कब पूरे होते हैं? When are the 50 years complete from 18th January 1969? 2017-18 में पूरे होने वाले हैं। They are going to be complete in 2017-18. अभी भी थोड़ा समय बचा है। Some time is left even now. माता का प्यार
प्यार से सुधर जाओ। रिफॉर्म योर सेल्फ थ्रू द मदर्स लव। तो अभी तो आने देते हैं ना बच्ची। सो नाउ दे आर सर्टेनली अलाउड टू कम डॉटर, aren't they? कोई कोई ऑफिसर है। सम आर ऑफिसर्स। क्या कहा? What did he say? आने वालों में Among those who come, कोई कोई बड़े बड़े ऑफिसर हैं गवर्नमेंट के। Some are big government officers. कोई बड़ा है। Someone is big. बड़ा ऑफिसर। A big officer. बड़ा आदमी। A big man. कोई फलाना है। Someone is something else. क्या? What? बड़ा ऑफिसर है। ऑफिसर नहीं है तो मिनिस्टर है। Someone is a big officer. If he isn't an officer, he is a minister. तीरा है। He is so and so. मना कोई भी है। It means he is someone. मित्र है। He is a friend. चाचा मामा काका ताऊ। चाचा पटरनल अंकल, मामा मटरनल अंकल, काका फादर्स यंगर ब्रदर, ताऊ फादर्स एल्डर ब्रदर। तुम्हारे है ना? दे आर रिलेटेड टू यू, aren't they? कोई कोई का है ना बड़ा ऑफिसर। Someone's relative is a big officer, isn't he? है? संबंधी कोई कोई का है कि नहीं बड़ा आदमी। Someone has a big man as their relative or not? है? संबंधी है। He is a relative. वो अभी आते तो है ना? Now they certainly come, don't they? नहीं आते हैं। Don't they come? है? आते तो है ना बच्ची? Daughter, they certainly come, don't they? परंतु नहीं। But no. वो समय भी आएगा। That time will also come. कोई भी। When no one. बड़े से बड़ा ऑफिसर हो। Whether he is the biggest officer. छोटा ऑफिसर हो। A small officer. बड़ा साहूकार हो। छोटा साहूकार हो। A big wealthy man. A small wealthy man. मिनिस्टर हो। कलेक्टर हो। कोई भी। A minister, a collector or anything. कभी भी अंदर नहीं आने देंगे। They will never be allowed to come inside. क्या? What? चाहे वो अपना फोर्स दिखा करके। Someone may show his force. सब बच्चों के ऊपर है। अपना फोर्स दिखा करके पुलिस का, मिलिट्री का, मीडिया का, अखबार का, टेलीविजन का, रेडियो वालों का फोर्स दिखा करके ढेर के ढेर बच्चों को तोड़ दे। थ्रू द पुलिस, द मिलिट्री, द मीडिया, न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन, रेडियो, ओवर ऑल द चिल्ड्रन एंड ब्रेक मेनी ऑफ देम फ्रॉम द नॉलेज। बाप का बच्चा बनने से रोक दे। He may stop them from becoming the father's child. अनिश्चय बुद्धि बना दे। He may make them the ones with a doubting intellect. कितने भी लखपति करोड़पति होंगे। However big millionaires and multimillionaires they may be. उन्हों को अभी अंदर नहीं आने देंगे। Even they won't be allowed to come inside. क्या कहा? What did he say? Student, even millionaires and multimillionaires won't be allowed to come inside. ऐसा कौन सा फोर्स है? What is such force? दुनियावी गवर्नमेंट के पास तो, बड़े बड़े लोगों के पास फोर्स है। The worldly government, the big people certainly have force. टाटा बिरला के पास, जो बड़े बड़े मिनिस्टरों को इलेक्शन जीतने के लिए ढेर सारा पैसा देते हैं। टाटा बिरला, they give a lot of money to the big ministers to win the elections. Tata Birla, two groups of business tycoons in India. उनके हाथ में तो वो इलेक्शन जीतने वाले मुट्ठी में है या नहीं है? Those who win the elections, are they in their hands or not? Meaning, in the hands of Tata Birla. मुट्ठी में? They are. और जो मिनिस्टर हैं, कलेक्टर हैं, उनके हाथ में पुलिस का फोर्स है। एंड द मिनिस्टर्स कलेक्टर्स हैव द पुलिस फोर्स इन देयर हैंड्स। है कि नहीं? है। डू दे और नॉट? दे डू। और गवर्नमेंट के राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर के हाथ में क्या है?
एंड व्हाट इज इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट? पुलिस फोर्स से भी ऊंचा फोर्स कौन सा है? विच फोर्स इज हायर देन इवन द पुलिस फोर्स? है जिस्मानी मिलिट्री फोर्स है. स्टूडेंट मिलिट्री दे हैव द फिजिकल मिलिट्री फोर्स. उस फोर्स के आधार पर है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट फोर्स जो रूहानी स्टेज में नहीं आए हैं, दोस हु हैवंट स्टेबलाइज्ड इन द सोल कॉन्शियस स्टेज, दे अभिमानी बने पड़े हैं. दोस हु हैव बिकम बॉडी कॉन्शियस, उनको मौत का डर लगेगा कि नहीं लगेगा? विल दे फियर डेथ और नॉट? स्टूडेंट दे विल. वो मौत के डर से पुलिस के फोर्स के सामने, मिलिट्री के फोर्स के सामने झुकेंगे या नहीं झुक जाएंगे? विल दे बाउ बिफोर द पुलिस फोर्स द मिलिट्री फोर्स बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ डेथ और नॉट? झुक जाएंगे. दे विल. लेकिन मेरे बच्चे? बट वॉट अबाउट माई चिल्ड्रन? कौन सा फोर्स है? विच फोर्स इज इट? रूहानी फोर्स है. इट इज द स्पिरिचुअल फोर्स. आत्मिक स्थिति में स्थित होने वालों का फोर्स है. इट इज द फोर्स ऑफ दोस हु स्टेबलाइज इन द सोल कॉन्शियस स्टेज. चाहे वो पांडवों के रूप में है, वेदर दे आर इन द फॉर्म ऑफ द पांडवास, चाहे वो शिव की शक्तियों के रूप में है, और इन द फॉर्म ऑफ द शक्तिज ऑफ शिव मीनिंग कॉन्सॉर्ट ऑफ शिव लिटरली पावर. वो फोर्स कभी झुकने वाला नहीं है. दैट फोर्स इज नेवर गोइंग टू बाउ. झुकेगा? विल इट बाउ? नहीं झुकेगा. इट वोंट बाउ. क्योंकि वो तो आत्मा है. बिकॉज दे आर सर्टनली सोल्स. क्या है? वॉट आर दे? आत्मा है. दे आर सोल्स. आत्मा को मौत का डर होता है क्या? डज द सोल फियर डेथ? होता है? नहीं होता. डज इट? इट डजंट. मौत का डर किसे होता है? हु हैज द फियर ऑफ डेथ? देहभानियों को होता है. द बॉडी कॉन्शियस वंस हैव इट. तो ये दुनिया का ऊंचे से ऊंचा फोर्स है. सो दिस इज द हाईएस्ट ऑन हाई फोर्स ऑफ द वर्ल्ड. ईश्वरीय गवर्नमेंट का फोर्स है. इट इज द फोर्स ऑफ द डिवाइन गवर्नमेंट मीनिंग ऑफ गॉड. रूहानी फोर्स है. इट इज द स्पिरिचुअल फोर्स. वो फोर्स ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी, लखपति करोड़पतियों को भी अंदर नहीं आने देंगे. दैट फोर्स वोंट अलाउ इवन सच बिग ऑफिसर्स मिलियनेयर्स एंड मल्टी मिलियनेयर्स टू कम इनसाइड. अंदर माने? व्हाट डज इनसाइड मीन? है रूहानी ब्राह्मणों के संगठन में नहीं आने देंगे. दे वोंट बी अलाउड टू कम इन द गैदरिंग ऑफ द स्पिरिचुअल ब्राह्मण्स. यहाँ सभा में आने ही नहीं देंगे. दे जस्ट वोंट बी अलाउड टू कम हियर इन दिस गैदरिंग. किसकी सभा में? इन हूज गैदरिंग? यहाँ माने? हैं? हियर मीन्स? यहाँ माने ब्राह्मणों की दुनिया में, संगम युग की दुनिया में. हियर मीन्स इन द ब्राह्मण वर्ल्ड, इन द कॉन्फ्लुएंस एज वर्ल्ड. ब्राह्मणों की सभा में? इन द गैदरिंग ऑफ द ब्राह्मण्स. पक्के ब्राह्मणों की सभा में या कच्चे ब्राह्मणों की सभा में? इज इट इन द गैदरिंग ऑफ द फर्म ब्राह्मण्स और इन द गैदरिंग ऑफ द वीक ब्राह्मण्स? पक्के ब्राह्मणों की सभा में आने ही नहीं देंगे. दे जस्ट वोंट बी अलाउड टू कम इन द गैदरिंग ऑफ द फर्म ब्राह्मण्स. सामने आएंगे. दे विल कम इन फ्रंट ऑफ यू. क्या? वॉट? हो हल्ला मचाने के लिए सामने आएंगे. दे विल कम इन फ्रंट ऑफ यू टू क्रिएट अ कमोशन. कभी अलाउ नहीं करेंगे. बट दे विल नेवर बी अलाउड. माने? वॉट डज इट मीन? चाहे पीछे से अपना फोर्स दिखाएं. वेदर दे शो देयर फोर्स फ्रॉम बिहाइंड. चाहे सामने आ जाएं. और कम इन फ्रंट ऑफ यू. तो भी उनको अलाउ नहीं करेंगे. दे वोंट बी अलाउड. भले उनके पीछे भले कितने भी बड़े आदमी आ जावे. नो मैटर हाउ मेनी बिग पीपल मे कम इन सपोर्ट ऑफ देम. क्योंकि ये कायदा है ना. क्या? इट इज बिकॉज दिस इज द रूल इजंट दिस. वॉट? क्या कायदा है रूहानी गवर्नमेंट का? वॉट इज द रूल ऑफ द स्पिरिचुअल गवर्नमेंट? इंद्र सभा में कोई पतित पांव नहीं रख सकेगा. नो सिनफुल विल बी एबल टू स्टेप इन द कोर्ट ऑफ इंद्र. ला नहीं है.
इट इज इन द लॉ टू डू दिस. इस समय तो अलाउ किया जाता है. एट दिस टाइम दे आर अलाउड. किस समय? विच टाइम? है जब तक है रूहों का बाप महाशिवरात्रि के समय इस संसार में प्रत्यक्ष नहीं होता है तब तक. Until the father of the souls is revealed in this world at the time of Mahashivratri, meaning the great night of Shiv. अभी बड़े से बड़ी रात्रि दुनिया में हुई है या नहीं हुई है? Has the biggest night in the world arrived or not? अभी भी अज्ञान की रात्रि नहीं हुई है. The night of ignorance hasn't arrived even now. बहुत हैं जो दम भर के कहते हैं दुनिया के सामने. There are many who boast in front of the world. क्या? What? कि हमने भगवान बाप को पहचाना है. वी हैव रिकॉग्नाइज्ड गॉड द फादर. क्या? व्हाट? कहते हैं कि नहीं? डू दे से दिस और नॉट? कहते हैं. दे डू. वो भी अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे. दे टू विल बिकम द वंस विद अ डाउटिंग इंटेलेक्ट. दम टूट जाएगा. दे विल डाई. इस समय में तो अलाउ किया जाता है. एट दिस टाइम दे आर अलाउड. पूछते हैं. दे आर आस्क्ड. भाई, ब्रदर, तुम इस रूहानी सभा में कितने दिन आए? हाउ मेनी डेज अ वीक डिड यू कम इन दिस स्पिरिचुअल गैदरिंग? पूछा जाता है कि नहीं? आर दे आस्क्ड और नॉट? रोज आए. डिड यू कम एवरी डे? जैसे मंदिरों में रोज जाते हैं. जस्ट लाइक दे गो टू द टेम्पल एवरी डे. गिरजाघर, मस्जिद में संडे संडे, शुक्रवार शुक्रवार जाते हैं साप्ताहिक. दे गो टू चर्च द मॉस्क एवरी संडे एवरी फ्राइडे वंस अ वीक. जाते हैं कि नहीं? डू दे गो और नॉट? स्टूडेंट, दे डू. तो यहाँ शूटिंग होती है कि नहीं? सो डज द शूटिंग हैपन हियर और नॉट? है, शूटिंग होती है. द शूटिंग हैपन्स हियर. कोई संडे संडे भी नहीं आते? इफ सम डोंट इवन गो एवरी संडे. गुरुवार गुरुवार या शुक्रवार भी नहीं आते? इफ दे डोंट इवन गो एवरी थर्सडे और फ्राइडे. तो उनसे पूछा जाता है. दे आर आस्क्ड. अरे गुरुवार साप्ताहिक साप्ताहिक तो छोड़ो. अरे लीव द टॉपिक ऑफ एवरी थर्सडे और एवरी वीक. महीने में एक बार आते थे, वो भी आना बंद कर दिया. दे यूज्ड टू कम वंस इन अ मंथ. दे हैव स्टॉप्ड इवन दैट. दो महीने में एक बार आते थे, वो भी रेगुलर नहीं रहे. दे यूज टू कम वंस इन टू मंथ्स. दे आरंट रेगुलर इवन फॉर दैट. ऐसे हैं या नहीं हैं? आर देयर सच वंस और नॉट? हैं? हैं. देयर आर. तो उनसे पूछते हैं भाई कितने दिन आए. सो दे आर आस्क्ड, ब्रदर हाउ मेनी डेज डिड यू कम? रोज आए. डिड यू कम एवरी डे? एक महीने रोज आए. डिड यू कम डेली फॉर अ मंथ? अरे एक महीने का क्या ट्रायल किया? अरे डिड यू हैव अ ट्रायल फॉर वन मंथ? भगवान के बच्चे बने तो एक महीने का ट्रायल किया क्या? यू बिकेम गॉड्स चाइल्ड सो डिड यू हैव अ ट्रायल फॉर वन मंथ? ये 5 वर्ष की ट्रायल वाला भी फंस मरता है. Even the one who has a trial for 5 years is entangled by Maya and he dies. क्या? What? जो 5 वर्ष से लगातार आ रहा था, वो भी माया की मत में फंस मरता है. Even the one who came continuously for 5 years is entangled in the direction of Maya and he dies. So एक महीना और कितने रोज? सो वन मंथ एंड हाउ मेनी डेज? इससे भी ज्यादा और कितने अलाउ करेंगे? सो हाउ मच मोर देन दिस विल ही अलाउ? एक महीना और 2 महीने वालों को सो तो ऐसे अलाउ करते हैं. दोज हू कम वंस इन अ मंथ और वंस इन टू मंथ्स आर स्टिल अलाउड. ज्यादा से ज्यादा? एट द मोस्ट. इंद्र की सभा में किनको किनको अलाउ करते हैं? Who are allowed in the court of Indra? रोज आने वालों को तो करते ही हैं. Those who come daily are indeed allowed. सप्ताह में आने वालों को भी करते हैं.
Those who come once a week are also allowed. महीने में आने वालों को भी करते हैं. Those who come once in a month are also allowed. और ज्यादा से ज्यादा? And at the most. दो महीने वालों को आने के लिए तो अलाउ करते ही हैं. Those who come once in 2 months are also allowed. अभी भीती के लिए. Now to alarm them. भय देने के लिए. To frighten them. कम से कम 2 महीने के लिए अलाउ करते हैं. Only those who come once in at least 2 months are allowed. क्योंकि अगर 2 महीने में एक बार भी नहीं आएंगे. It is because if they don't come even once in 2 months. तो इंद्र सभा में आने से वंचित कर दिया जाएगा. क्यों? They will be deprived from coming into the court of Indra. Why? क्योंकि भगवान बाप गीता में कहते हैं. It is because God the Father says in the Gita. मुरली में कहते हैं. In the मुरली. क्या कहते हैं? What does he say? कि 2 महीने तक भी कोई बच्चे का कनेक्शन नहीं होता है. If some child doesn't even have a connection with the father in 2 months. तो बाप क्या समझते हैं? What does the father think? बच्चा मर गया. The child has died. अनिश्चय बुद्धि की मौत. मर गया. He died the death of a doubting intellect. तो ऐसा भीती देने के लिए अलाउ करते हैं. किनको? So, to alarm them, they are allowed. Who? जो 2 महीने में भी एक बार आते हैं. Those who come at least once in 2 months. अभी तो अलाउ करते हैं. Now, they are certainly allowed. फिर पीछे क्या होगा? Then, what will happen later? पीछे थोड़े ही अलाउ करेंगे. They certainly won't be allowed later. पीछे मने कब? है? Later means when? जब मिलिट्री शासन होगा. When there is the military rule. मार्शल ला लगेगा. When the martial law is imposed. तो 2 महीने में जो एक बार आते हैं उनको भी अलाउ नहीं करेंगे. Even those who come once in 2 months won't be allowed. जब ऐसों की संख्या जास्ती होने लगेगी. When the number of such ones increases. क्यों? कैसों की? Whose? न हिंदू. Those who neither remained Hindus. न सनातन धर्म के. Nor those of the ancient religion. न मुसलमान धर्म के मस्जिद में शुक्रवार शुक्रवार जाने वाले रहे. Those who neither remained those of the Muslim religion who go to the mosque every Friday. न क्रिश्चियंस की लिस्ट में रहे संडे संडे जाने वाले. Nor remained in the list of the Christians who go every Sunday. ऐसे जब क्रिश्चियंस की संख्या. When the number of such Christians. क्रिश्चियंस की शूटिंग करने वालों की संख्या. Those who perform the shooting of becoming Christians. मुसलमानों की संख्या. The number of the Muslims. मुसलमान क्रिश्चियन धर्म की शूटिंग करने वालों की संख्या जास्ती हो जाएगी. Those who perform the shooting of becoming Muslims and Christians increases. तब अलाउ नहीं करेंगे. Then they won't be allowed. क्योंकि उस समय. It is because at that time. जो सत्य सनातन धर्म के हैं. Those belonging to the true ancient religion. अल्लाह अव्वल दीन के बच्चे हैं. The children of Allah Awwal Deen. उनकी संख्या रोज आने वालों की थोड़ी रह जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी. Those who come daily, will there be few or will there be many? थोड़ी रह जाएगी. There will be few. पांडव कितने होते हैं? How many are the Pandavas? है? 5 पांडव गाए गए. The 5 Pandavas are famous. 5 का मतलब ये है कि अभी हर सेंटर में. The meaning of 5 is that now in every center. हर गीता पाठशाला में. Every गीता पाठशाला. अभी भी संख्या 4-5 तो ज्यादा ही हो जाती है. The number of students is certainly reasonable. 4 or 5. कभी कभी और ज्यादा. Sometimes there are more than this. लेकिन फिर क्या होगा? But what will happen later? है? इससे भी कम हो जाएंगे. There will be fewer than this. बहुत कम सभा रह जाएगी. There will be a very small gathering. नहीं अभी तो ढेर की ढेर हो जाती है. Otherwise, now the gathering is very big. जैसे ब्रह्मा कुमारियों में भी तो ब्राह्मण हैं या नहीं है? Just like, are there Brahmins even in the Brahma Kumari centers or not? है? उनमें तो सैकड़ों हो जाते हैं.
हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स गैदर देयर। गुरुवार को, रविवार को देर हो जाते। मेनी स्टूडेंट्स गैदर ऑन थर्सडेज एंड संडेज। तो ये मिक्स ब्राह्मणों की संख्या कम कैसे हो? सो हाउ विल द नंबर ऑफ दीज मिक्स्ड ब्राह्मिन्स रिड्यूस? कोई तरीका होगा या नहीं होगा? है? विल देयर बी एनी मेथड और नॉट? ये सभा कम कैसे हो? हाउ विल दिस गैदरिंग डिक्रीज? देखो सर्दी का मौसम है, सतयुग त्रेता। लुक द गोल्डन एज एंड द सिल्वर एज इज द विंटर सीजन। ठंडा दिमाग रहता है। द इंटेलेक्ट रिमेन्स कूल। गर्मी का मौसम है, द्वापर कलयुग। द कॉपर एज एंड द आयरन एज इज द समर सीजन। दिमाग गर्म होते हैं कि नहीं? डज द इंटेलेक्ट बिकम हॉट और नॉट? है, गर्मी का मौसम है और बरसात? स्टूडेंट इट डज, इट इज द समर सीजन। एंड द रेनी सीजन? है, ज्ञान जल की बरसात कहो। कॉल इट द रेन ऑफ द वॉटर ऑफ नॉलेज। वो बरसात का मौसम है। इट इज द रेनी सीजन। उस बरसात के मौसम में, इन दैट रेनी सीजन, जो इंद्र देवता के द्वारा ज्ञान बरसात होती है, देयर इज द रेन ऑफ नॉलेज बाय द डीटी इंद्र। और वो ज्ञान बरसात का सीजन भी जब समाप्त होता है, एंड व्हेन दैट सीजन ऑफ द रेन ऑफ नॉलेज एंड्स, तो बरसात के बाद क्या दिखाई पड़ता है? व्हाट इज विजिबल आफ्टर द रेन? इंद्रलट। इंद्रलट मीनिंग स्टाफ। बाबा इज रेफरिंग टू द रेनबो। उसका नाम क्या दिया? व्हाट इज इट नेम्ड? इंद्रलट। इंद्रलट छोटा डंडा नहीं, नॉट अ स्मॉल स्टिक, लाठी नहीं, नॉट अ क्लब। क्या नाम दिया? व्हाट इज इट नेम्ड? इंद्रलट। इंद्रलट सिखों के गुरुद्वारे के सामने भी वो इंद्रलट खड़ा हुआ दिखाया जाता है। दैट इंद्रलट इज शोन अपराइट आउटसाइड द गुरुद्वारा ऑफ द सिक्स। गुरुद्वारा रिलीजियस प्लेस ऑफ सिक्स। भारतीय शास्त्रों में भी उस इंद्रलट की बड़ी महिमा है। दैट इंद्रलट इज प्रेज्ड अ लॉट इन द इंडियन स्क्रिप्चर्स एज वेल। तो उस समय क्या होगा? So, what will happen at that time? जब ज्ञान बरसात का टाइम पूरा हो जाएगा। When the time of the rain of knowledge is over, माता के द्वारा, वेद की माता ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान की बरसात हुई। There was the rain of knowledge through the unlimited mother Brahma. और सुप्रीम टीचर के द्वारा गीता माता के ज्ञान गीत का क्लैरिफिकेशन की बरसात हुई। एंड देयर वाज द रेन ऑफ क्लैरिफिकेशन ऑफ द सॉन्ग ऑफ नॉलेज ऑफ द मदर गीता थ्रू द सुप्रीम टीचर। विस्तार में ज्ञान की बरसात हुई। देयर वाज द रेन ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज। ज्ञान सागर के द्वारा ज्ञान की बरसात हुई। देयर वाज द रेन ऑफ नॉलेज थ्रू द ओशन ऑफ नॉलेज। किसके द्वारा? थ्रू हुम? ज्ञान सागर के द्वारा। थ्रू द ओशन ऑफ नॉलेज। सूर्य धरती माता से चिपक के रहता है। Does the sun remain attached to the mother earth? या सागर चिपक के रहता है? Or does the ocean remain attached? सागर माता के साथ होता है। The ocean is with the mother. क्या? What? सागर पति है। The ocean is the husband. और धरती माता है। And the earth is the mother. सागर पिता की गोद में चौथा हिस्सा धरती का स्पष्ट देखने में आता है। द वन फोर्थ पार्ट ऑफ द अर्थ इज क्लियरली विजिबल ऑन द लैप ऑफ द फादर ओशन। पति की गोद में कौन बैठती है? है? Who sits on the lap of the husband? पति जगत पिता शंकर की गोद में कौन बैठती है? Who sits on the lap of the husband? The world father शंकर। माता पार्वती जगत जननी बैठती है। मदर पार्वती द वर्ल्ड मदर डज। तो ये मात पिता हैं। सो दीज आर द मदर एंड द फादर। वो माता की गोद में जो बच्चे खेल रहे हैं अभी भी, द चिल्ड्रन हु आर प्लेइंग ऑन द लैप ऑफ दैट मदर इवन नाउ, माता की छत्र छाया जिनके ऊपर है, दोज हु हैव द प्रोटेक्शन ऑफ द मदर,
तो पिता रहम करता है। The father has mercy on them. फिर भी प्यार करता है। He still loves them. धर्मराज के हाथों में मार्शल के हाथों में मार्शल ला नहीं छोड़ता। He doesn't hand over the martial law in the hands of Dharmaraj, the marshal. प्यार के साए में बच्चे पलते हैं। The children are sustained in the shelter of love. तो अभी भी कोई को देखते हैं। So even now, if he sees someone. कौन? Who? कौन देखते हैं? Who sees? अरे? शिव बाप देखते हैं। The father Shiv sees. किसकी आंखों के द्वारा? Through whose eyes? है? मुकर्रर रथधारी, हीरो पार्टधारी की आंखों के द्वारा देखते हैं, अभी भी देखते तो हैं। He sees through the eyes of the permanent chariot, the hero actor. Even now, he does see. कि ये ब्राह्मणत्व जीवन में इतने लंबे समय तक बेसिक में भी एडवांस में भी वर्षों वर्षों से विकारियों का संग छोड़ता ही नहीं। That this one just doesn't leave the company of the vicious ones for such a long time in the Brahmin life, for many years in the basic as well as the advanced knowledge. ऐसे बैठे हैं कि नहीं? Are such ones sitting here or not? हैं? बैठे हैं। They are. विकारियों के साथ अन्न दोष को छोड़ते ही नहीं। They just don't leave the influence of bad food with the vicious ones at all. ऐसों कोई कोई को अभी भी बाप देखते हैं इन आँखों का लोन लेकर के। The father sees such ones, some of them even now, by taking the loan of these eyes. कौन सी आँखों का लोन लेकर के देखते हैं? He sees them after taking the loan of which eyes? है Student, the father Ram. Yes. सुनते हैं उनके कानों से। He hears through his ears. इनके कानों का लोन लेकर सुनते हैं। He listens after taking this one's ears on loan. बहुतों के द्वारा सुनते हैं। He listens from many. के ये एक ही किचन में बना हुआ भिखारियों के हाथ का भी खाना खाते हैं। These ones eat the food cooked in the same kitchen. They even eat the food cooked by the vicious ones. विकारियों का कमाया हुआ धन भी खाते हैं। They also eat out of the earning of the vicious ones. ये बात सुनते हैं। He listens to this. और विकारियों के साथ जो रोज विकार में जाते हैं उनका संग भी करते हैं। And they also remain in the company of the vicious ones. Those who indulge in vices daily. दिखाने के लिए घंटे दो घंटे का सत्संग करते हैं। ईश्वर सत्य का संग करते हैं। God is truth का संग करते हैं। They do the satsang, meaning take the true company. They take the company of the true God. God is truth for 1 or 2 hours to show off. बाकी 20-22 घंटा क्या करते हैं? What do they do for the rest of the 20 to 22 hours? है? विकारियों का संग करते हैं। They take the company of the vicious ones. तो सुनते हैं, देखते हैं। So he listens, he sees. ये पतित आकर के बैठा है। That this one who has come and is sitting here is sinful. तो बाप तो बोलेंगे। So the father will certainly say. ये आपे ही सजा खाएगा। This one will automatically receive punishment. जब चढ़ेगा ज्ञान योग की प्रैक्टिस करते करते। When he rises high by practicing knowledge and yog. भले प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। He may also have a good practice. है? लंबे समय तक ज्ञान सुनेगा। When he listens to the knowledge for a long time. योग की प्रैक्टिस करेगा। When he practices yog. तो ऊंचा चढ़ेगा कि नहीं? Will he rise high or not? चढ़ेगा। He will. जब चढ़ेगा। When he rises. क्योंकि वो तो समझते हैं ना। It is because he certainly understands. कि बरोबर ये जो पावन बनने का अभ्यास कर रहे हैं। That these ones who are practicing to become pure. सिर्फ अभ्यास करते हैं थोड़े समय का। They just practice for a short time. जब यहाँ
थोड़े समय के लिए सत्संग में आते हैं। When they come here in the true company for a short time, उसमें भी even then, क्या पता बुद्धियोग से दुनियादारी याद आती रहती है। Who knows whether they remember the worldly affairs, या बुद्धि एकाग्र रहती है सत्संग में। Or their intellect remains focused in the true company. है? बहुत हैं। There are many, जिनके वाइब्रेशन संघ के रंग से, संघ दोष से, अन्न दोष से वाइब्रेशन ही खराब हो गए। Whose very vibrations have spoiled through the color of bad company, through the effect of bad company, and the effect of bad food. वो पावन नहीं बनते हैं प्रैक्टिकल में। They don't become pure in practice. क्या? What? मन बुद्धि से विकारी संकल्प चलते हैं या नहीं चलते हैं? चलते हैं। Do vicious thoughts arise in the mind and intellect or not? They do. दृष्टि से फिर पतित बनेंगे या नहीं बनेंगे? Then, will they become sinful through the sight or not? पतित दृष्टि वृत्ति बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। Will the sight and vibrations become sinful or not? They will. जो पावन नहीं बनते हैं, These ones who don't become pure, पतित हो करके बैठे हैं, who become sinful and are sitting here, अपन को बाप के सामने समझते हुए बैठे हैं, they are sitting considering themselves to be in front of the father. क्या? What? वो त्रिकालदर्शी बाप का सामना करने वाले हैं। Are they the ones who confront the त्रिकालदर्शी father? त्रिकालदर्शी, the one who knows the three aspects of time. दुश्मन हैं? Are they enemies? सामना कौन करता है? Who confronts? Student and enemy. दुश्मन हैं या दोस्त हैं? Are they enemies or friends? Student, enemies. है? डरते ही नहीं हैं। They just don't have fear. बच्ची, ऐसे बहुत हैं। Daughter, there are many like that. क्या कहा? What did he say? इंद्र सभा में आने वाले ऐसे बच्चे, such children who come in the court of Indra, जो आगे इंद्र सभा प्रत्यक्ष होगी, the court of Indra which will be revealed later, उस सभा में पहुंचने वाले हैं, समझते हैं कि हम पहुंचेंगे, they think that they will reach there, परंतु ऐसे भिखारी अभी बहुत बैठे हैं, but many of such vicious ones are sitting in this gathering now, जब कहां भी इस दुनिया में जाते हैं, Wherever he goes in this world, बॉम्बे में जाते हैं, माया की नगरी में, Whether he goes to Bombay, the city of Maya, या दिल्ली में जाते हैं, Or to Delhi, जहाँ नई दुनिया की राजधानी स्थापन करने वाला बाप बैठा हुआ है, Where the father who establishes the capital of the new world is sitting, तो दोनों ही स्थान पर, At both the places, माया की नगरी हो, Whether it is the city of Maya, चाहे बाप की नई दुनिया की राजधानी बनने वाली नगरी हो, कौन सी? दिल्ली. Or the city of the father that becomes the capital of the new world, which city? Delhi. दोनों जगह बहुत ही पतित आकर के बैठते हैं. Many sinful ones come and sit at both places. रात भर पतित बनते हैं. और दिन में आकर बाप के सन्मुख आकर बैठ करके सोते हैं। They become sinful the whole night, and in the day they come and sit in front of the father and sleep. क्या कहा? What did he say? है? थक जाएंगे ना? They will get tired, won't they? तो बाप के सामने आकर के भी? So, despite coming in front of the father, सामने बैठेंगे अड़ करके, देखो तुम क्या बिगाड़ लोगे हमारा? They will sit obstinately in front of the father, thinking, look, what harm will you do to us? ऐसे बहुत ही पतिता करके बैठते हैं। Many of such sinful ones come and sit here. तो पतित को, So the sinful, देखो, यादगार मंदिर बने हुए हैं ठिकानों में। Look,
Temples are built in the form of memorials at the pilgrimage places. तब भी स्नान पानी करके After bathing, etc. क्योंकि पतित तो हैं ही It is because they are certainly sinful. भले स्नान करके आते हों यादगार मंदिरों में भगत लोग Although the devotees go to the memorial temples after having a bath. आते हैं कि नहीं Do they go or not? Student, they do. तब भी कभी भी कोई मंदिर में आवेंगे Even then, whenever someone goes to a temple, भले स्नान करके आते हैं although they go after bathing, तो भी पतित कहे जाएंगे या पावन हैं Will they be called sinful or are they pure? है ऐसी शूटिंग कहाँ होती है Student, sinful. Where does such shooting take place? ऐसी रिहर्सल कहाँ होती है Where does such rehearsal take place? अभी संगम युग में Now, in the confluence age, बाप जहाँ आया हुआ है The place where the father has come, जो बाप का घर मधुबन कहा जाता है The place which is called the father's house, मधुबन क्या कहा जाता है What is it called? मधुबन में मुरली बाजी The मुरली is played in मधुबन भगवान बाप आकर के जहाँ वाणी चलाते हैं The place where God the father comes and narrates the vani वहाँ आने की शूटिंग करते हैं कि नहीं करते हैं Do they perform the shooting of going there or not? है कर रहे हैं They are performing it. तो ऐसा भी समय आएगा So, such time will also come. ऐसे कोई भी आएंगे When anyone like this comes. बिगर स्नान कभी कोई मंदिर में जाते नहीं होंगे They won't ever go to any temple without bathing. इतनी भावना होती है कि नहीं भक्ति मार्ग में Do they have this much reverence in the path of bhakti or not? कहाँ की यादगार It is the remembrance of which time? संगम युग की यादगार है It is the remembrance of the confluence age. कि ज्ञान स्नान करके घर में जाते हैं फिर पतित बनते हैं That after having the path of knowledge, they go to their home and become sinful again. तो अभी वो तो है स्थूल स्नान काय का So now, that is in fact the physical bath. Of what? पानी का स्नान The bath of knowledge. और ये है फिर ज्ञान सागर में ज्ञान का स्नान And this is the bath of knowledge in the ocean of knowledge. तो ज्ञान स्नान से So, through the bath of knowledge, ज्ञान सागर के ज्ञान स्नान से Through the bath of the knowledge of the ocean of knowledge, भगवान के ज्ञान स्नान से Through the bath of the knowledge of God, आत्माओं को पवित्र होना ही है या नहीं होना है Do the souls definitely have to become pure or not? है? होना ही है They definitely have to. बिल्कुल शुद्ध होना पड़े They will have to become completely pure. तो अपने आप अपनी बुद्धि से समझ करके So, after understanding through their intellect on their own, जैसे देव आत्माएं इशारों से समझती हैं, Like the deity souls understand through hints. मनुष्य होंगे तो कहने से समझेंगे If they are human beings, they will understand on being told. बार बार सुन करके समझेंगे They will understand after listening again and again. लेकिन जो न देवता बनते हैं But those who neither become deities, न द्वापर कलयुग के मनुष्य बनते हैं चंचल मनुष्य मन वाले Nor human beings with an inconstant mind from the copper age, जो जानवरों की तरह खूंखार जानवरों की तरह राक्षस बन करके बैठ जाते हैं भगवान की सभा में Those who become like animals, ferocious animals, like demons, go and sit in God's assembly. वो हैं ही आसुरी संप्रदाय They are certainly those from the community of demons. कौन से संप्रदाय Which community? रावण संप्रदाय Ravan's community. भले रावण के कोई भी मुख के संप्रदाय हो They may belong to the community of any head of Ravan. रावण का चित्र है When there is the picture of Ravan, तो चरित्र करने वाले भी कोई होंगे या नहीं होंगे Will there be some souls who play the character or not? है? प्रैक्टिकल में
देर आर इन प्रैक्टिस। इसको कहते ही जाते हैं शैतान राज्य। इट इज कॉल्ड द डिमोनिक किंगडम। क्या? वॉट? अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में, इवन नाउ इन द ब्राह्मण वर्ल्ड, राम राज्य है। इज इट द किंगडम ऑफ राम? या शैतान राज्य है? और द डिमोनिक किंगडम? है, शैतान राज्य है। इट इज द डिमोनिक किंगडम, माया रूपी रावण राज्य। द इलूसिव किंगडम ऑफ रावण, माया बेटी। देयर इज डॉटर माया। माया मीन्स इलूसिव और डिसेप्टिव। क्या है संबंध? वॉट इज द रिलेशनशिप? है तो बेटी। शी इज इंडीड अ डॉटर। लेकिन अब माया भी बेटी है। बट शी इज अ डिसेप्टिव डॉटर। क्या? वॉट? अंदर एक और बाहर से दूसरी। शी इज वन पर्सन इन साइड एंड समवन एल्स आउटसाइड। बाहर को दिखाएगी लोगों में। शी शोज पीपल आउटसाइड। क्या दिखाएगी? वॉट डज शी शो? कि मैं बाप की बच्ची हूँ। आई एम द डॉटर ऑफ द फादर। और अंदर रह करके वास्तव में वो बाप की बच्ची बन करके नहीं रहती। एंड एक्चुअली शी डजंट स्टे एज द फादर्स डॉटर इनसाइड। जैसे बाप मुरली में कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फादर सेज इन द मुरली कि कलयुग के अंत में ऐसा शैतानी राज्य हो जाता है कि बाप भी बच्ची को है नहीं छोड़ता। देयर इज सच अ डिमोनिक रूल एट द एंड ऑफ द आयरन एज दैट इवन अ फादर डजंट स्पेयर हिज डॉटर। ऐसी मायावी बच्ची। शी इज सच अ डिसेप्टिव डॉटर। जो मंद बुद्ध रूपी पेट वाली बच्ची है। हु हैज अ डल स्टमक लाइक इंटेलेक्ट। ज्ञान सागर बाप के प्रैक्टिकल रूप को भी नहीं जानती। शी डजंट इवन नो द फॉर्म ऑफ द ओशन ऑफ नॉलेज फादर इन प्रैक्टिस। जानती भी है। इवन इफ शी नोज हिज फॉर्म। तो जैसे रावण जानता था ये भगवान है। जस्ट लाइक रावण न्यू दैट दिस वन इज गॉड। फिर भी रावण को फॉलो करती थी। स्टिल शी यूज्ड टू फॉलो रावण। जानते हुए भी भगवान बाप को नहीं मानती थी। डिस्पाइट नोइंग शी डिडंट एक्सेप्ट गॉड द फादर। भगवान बाप के ज्ञान के रास्ते में दीवाल बन करके खड़ी हो जाती थी। शी यूज्ड टू स्टैंड लाइक अ वॉल ऑन द पाथ ऑफ नॉलेज ऑफ गॉड द फादर। मुसलमानों में, अमंग द मुस्लिम्स, उनका इबादत का स्थान, इन दियर प्लेस ऑफ वर्शिप, जो मस्जिद बनाई जाती है, द मॉस्क दैट इज बिल्ट, उसमें सामने क्या खड़ी होती है? वॉट स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ इट? दीवाल खड़ी होती है। अ वॉल इज स्टैंडिंग। ऐसे मुसलिम धर्मों में कन्वर्ट होने वाले, दोज हू कन्वर्ट टू सच मुस्लिम रिलीजन, ब्राह्मणों की दुनिया में नीच कुल के वो ब्राह्मण अभी भी आकर के बैठ रहे हैं। दोज हू बिलोंग टू लोअर कैटेगरीज इन द ब्राह्मण वर्ल्ड, दोज ब्राह्मण्स कम एंड सिट हियर इवन नाउ। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी शैतान राज्य है या राम का राज्य है? सो ऑल्सो इन द ब्राह्मण वर्ल्ड इज देयर द रूल ऑफ डीमंस और इज देयर द रूल ऑफ राम? अरे राम का राज्य अपनी पत्नी के ऊपर है। स्टूडेंट्स द रूल ऑफ डीमंस। अरे इज देयर राम्स रूल ओवर हिज वाइफ? कि उसको भी रावण अपने कंट्रोल में लेकर बैठा है, है? और हैज रावण टेकन इवन हर अंडर हिज कंट्रोल? किसके राज्य में है? इन हूज किंगडम इज शी? राम के राज्य में है। राम की पत्नी इज राम्स वाइफ इन द किंगडम ऑफ राम या रावण राज्य में है? और इज शी इन द किंगडम ऑफ रावण? है रावण राज्य में। शी इज इन द किंगडम ऑफ रावण। यथा राजा तथा प्रजा। एज इज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स। क्या कहा? वॉट वॉज सेड? क्या इशारा दिया? वॉट इंडिकेशन वॉज गिवन? है यहाँ राजा कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में? हु इज द किंग हियर इन द ब्राह्मण वर्ल्ड? अरे अरे राम राजा है, है? स्टूडेंट्स राम, राम इज ही द किंग? राजा के सामने तो थर थर जा करके कांपते हैं। पीपल ट्रेम्बल विद फियर इन फ्रंट ऑफ अ किंग। क्या? वॉट? जो चोर डकैते हैं लुच्चे लफंगे राजा के सामने जब जाते हैं। व्हेन थीव्स डेकॉइट्स
vagabonds or loafers go in front of a king, dacoits, armed gang of robbers. तो कैसे कांपते हैं? How do they tremble? हैं? फर-फर कांपते हैं और यहाँ तो आकर के सामने सामने बैठ जाते हैं. They tremble with fear, and here they come and sit in front of the father. तो राम का राज्य है. So is it the rule of Ram? कहेंगे राम का राज्य है. Will it be said to be the rule of Ram? है? अभी राम का राज्य नहीं है. It isn't the rule of Ram now. फिर भी राम के घर में, भगवान के घर में माया बेटी का राज्य है या नहीं है? Still, is there the rule of daughter Maya in Ram's house, God's house or not? माया रावण आता है या नहीं आता है? Does Maya Ravan go there or not? आता है, शैतान राज्य है. He does. It is the demonic rule. यहाँ भी दुख का राज्य है ना? Also here, it is the rule of sorrow, isn't it? है? किसका राज्य है? Whose rule is it? दुख देने वाले माया रूपी रावण का राज्य है. It is the rule of the elusive Ravan who gives sorrow. जिसके प्रभाव में सभी बच्चे आ रहे हैं. All the children are coming under his influence. कोई कम, कोई ज्यादा. Some to a lesser extent and some to a greater extent. तो अभी राम राज्य तो सब जानते हैं. So now everyone knows the kingdom of Ram. कि सत्ययुग को कहेंगे राम राज्य. That the Satyug, meaning the true age, the golden age, will be called the kingdom of Ram. कौन से युग को कहेंगे? Which age will be called the kingdom of Ram? सत्ययुग को कहेंगे रामराज. The Satyug will be called the kingdom of Ram. अभी सबके अंदर जो वाइब्रेशन चलते हैं, जो संकल्प चलते हैं, जो वाचा चलती है. Now the vibrations, the thoughts, the speech that everyone generates. जो कर्मेंद्रियां कर्म करती हैं. The actions that the कर्मेंद्रिया perform. सत्य ही करते हैं. Do they perform just true actions? कर्मेंद्रियों से सत्य कर्म करते हैं. Do they perform true actions through the कर्मेंद्रिया? सत्य वाचा ही बोलते हैं. Do they speak only true words? हैं? इंद्रियों से व्यभिचारी तो नहीं बनते. Don't they become adulterous through the indriya? दृष्टि व्यभिचारी तो नहीं होती. Doesn't the drishti, meaning sight, become adulterous? है? ब्राह्मणों की सभा में अभी क्या हाल है? What is the condition of the gathering of the Brahmins now? दृष्टि से बाप तो कहते हैं कि 10, 20, 50 भूले बच्चे रोज ही करते होंगे. In fact, the father says that the children certainly will be committing 10, 20, 50 mistakes through the eyes, meaning drishti, daily. तो बाप झूठ बोलता है? So, does the father speak lies? Students, no. रोज ही दृष्टि विकारी बनती है. The drishti becomes vicious daily. विभिचारी बनती है. It becomes adulterous. तो रामराज जी कहेंगे अभी ब्राह्मणों की दुनिया में? नहीं कहेंगे. So, will it be called the kingdom of Ram now in the Brahmin world? It won't. कोई भी दुनिया में कलयुग को तो रामराज्य कभी नहीं कहेंगे. No one in the world will ever call the Iron Age the kingdom of Ram. एकदम नहीं कहेंगे. They will never call it that. कलयुग को तो जरूर कहेंगे कि भाई रावण राज्य है. They will definitely say for the Iron Age, brother, it is the kingdom of Ravan. इस कलयुग में किसका राज्य है? Whose rule is it in this Iron Age? रावण राज्य. It is the rule of Ravan. दुनिया में जितनी भी प्रजा है, कोई भी धर्म वालों की प्रजा हो. All the subjects in the world, it may be the subjects of any religion. क्या तो कामी इस्लामियों की प्रजा है, follower? Either they are the subjects, the followers of the lustful people of Islam, the followers of the lustful people of Islam. या तो क्रोधी क्रिश्चियंस की प्रजा है. Or they are the subjects of the angry Christians. जो जब अंदर से क्रोध में आते हैं. When they become angry from within.
तो दुनिया को भस्म करने के लिए क्या बना डालते हैं? What do they make to burn down the world into ashes? एटम बम बना डालते हैं। They make atom bombs. इतने खतरनाक हैं। They are so dangerous. इस कलयुग में एकदम इतने खतरनाक है। They are extremely dangerous in this iron age. क्या कहा? What was said? ये बम्ब किस लिए बनाते हैं? Why do they make these bombs? है? दुनिया का विनाश करने के लिए। और तुम ब्राह्मणों की दुनिया में बड़े से बड़ा बम्ब कौन सा बम्ब है? In order to destroy the world. And which is the biggest bomb in your Brahmin world? Paramatma Pratyakshata bomb. The bomb of the Supreme Soul's revelation. Hai? Kaun sa bomb? Which bomb? Paramatma Pratyakshata bomb. The bomb of the Supreme Soul's revelation. Bade te bada bomb phootega. When the biggest bomb explodes. To duniya ki jo agyani atmaye hain. Those who are the ignorant souls in the world. शुरुआत से ही जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान लिया ही नहीं उनकी तो बात छोड़ो। Those who didn't take the divine knowledge of God from the beginning itself, just leave them. जो ब्राह्मणों की दुनिया की बेसिक आत्माएं हैं, the souls who are in the basic knowledge in the Brahmin world, या एडवांस की भी बीज रूप आत्माएं हैं, और इवन द सीड फॉर्म सोल्स ऑफ द एडवांस नॉलेज, अलग अलग धर्मों के बीज हैं, who are the seeds of different religions, उन सब में एक जैसा ज्ञान है। Do all of them have a similar kind of knowledge? अलग अलग धर्मों का ज्ञान है। They have the knowledge of different religions. Complete ईश्वरीय ज्ञान है। Do they have the complete divine knowledge of God? या नीम हकी में खतरे जान है। Or is it नीम हकी में खतरे जान? Meaning, little knowledge is dangerous. अधूरे ज्ञानी है। They are incomplete knowledgeable. आज बाप को पहचानते हैं। टुडे दे रिकॉग्नाइज द फादर। और कल हाँ मनुष्य जो सामाजिक प्राणी है। एंड टुमारो स्टूडेंट रिप्लाइड यस अ ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल बीइंग। समाज के बिना जीवन ही नहीं उसका हो सकता। हिज लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट द सोसाइटी एट ऑल। ऐसे सामाजिक प्राणी मनुष्य सच ह्यूमन बीइंग्स हु आर सोशल बीइंग्स जिनका मन चंचल हुआ पड़ा है whose mind is inconstant, वो समाज के प्रभाव में आकर के बाप को भूल जाएंगे। They will come under the influence of the society and forget the father. समाज ऐसा प्रचंड रूप धारण करेगा। The society will take on such a fierce form. ये गवर्नमेंट जिस्मानी गवर्नमेंट प्रचंड रूप धारण करेगी। This government, the physical government, will take on a fierce form. और मीडिया भी प्रचंड रूप धारण करेगी। And the media will also take on a fierce form. और उनको हिलाएगा कौन? And who will provoke them? प्रचंड रूप धारण करने के लिए इनको कौन फोर्स देगा? Who will give them the force to take on a fierce form? है? शिव बापा। Student. The father Shiv. The father Shiv. Maya Ravan. तो कलयुग को जरूर कहेंगे भाई रावण राज्य है। So they will definitely say, brother, the Iron Age is the kingdom of Ravan. इस रावण राज्य में सब पतित हैं। All are impure in this kingdom of Ravan. सब माने? What does all mean? है? कोई कम पतित? कोई? ज्यादा पति। सम आर इम्प्योर टू अ लेसर एक्सटेंट एंड सम आर इम्प्योर टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। जो समझते हैं दोस हु थिंक के कर्म इंद्रियों से पतित होना वो ही आत्मा का पतित होना है। बिकमिंग इम्प्योर थ्रू द कर्मेंद्रिया अलोन मीन्स दैट द सोल हैज बिकम इम्प्योर। वो तो मुगालते में है ही। दे आर एनी वे कन्फ्यूज्ड। लेकिन ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार एंड अकॉर्डिंग टू द डिवाइन नॉलेज आत्मा पतित होती है और पावन बनती है। Does the soul become impure and pure? या शरीर पतित पावन बनता है? Or does the body become impure and pure? है? आत्मा पतित से पावन पहले बनती है।
द सोल बिकम्स प्योर फ्रॉम इम्प्योर फर्स्ट. तो आत्मा शरीर की इंद्रियों के संग के रंग में आकर के. सो कैन अ सोल आफ्टर कमिंग इन द कलर ऑफ द कंपनी ऑफ द इंद्रिया ऑफ द बॉडी. ईश्वरीय स्मृति का पक्का अभ्यास करके पावन बन सकती है या नहीं बन सकती है. मेक अ फर्म प्रैक्टिस ऑफ रिमेम्बरिंग गॉड एंड बिकम प्योर और नॉट. पावन बन सकती है. इट कैन बिकम प्योर. जैसा कि यादगार मंदिर में दिखाया है. जस्ट लाइक इट्स रिमेम्बरेंस इज शोन इन द टेम्पल. शिव के मंदिर में क्या दिखाया है. वॉट इज शोन इन शिव टेम्पल. शिव जो निराकार है, ज्योति बिंदु है, अति सूक्ष्म है. शिव हु इज इनकॉर्पोरियल, हु इज द पॉइंट ऑफ लाइट, हु इज द मोस्ट सटल. वो साकार बड़े रूप में लिंग में प्रवेश करता है. He enters a corporeal big form, the ling. Ling means lingam, oblong stone worshipped in all India. जिस लिंग की क्या स्टेज है. What is the stage of that ling? उस लिंग की मन बुद्धि रूपी ऐसी स्टेज है जिस स्टेज में नाक आँख कान हाथ पांव याद हैं. Such is the stage of the mind and intellect of that ling that does he remember the nose, the eyes, the ears, the hands and legs? है? नहीं याद हैं. He doesn't remember them. इसलिए हाथ पांव नाक आँख कान लिंग को नहीं दिखाए जाते. This is why hands, legs, nose, eyes, ears aren't shown to the ling. तो क्या उसे शंकर लिंग कहें? So, should it be called शंकर लिंग? शंकर लिंग कहा जाता है. Is it called शंकर लिंग? है? नहीं कहा जाता. It isn't. जब तक उस लिंग रूप साकार से उसके नेत्रों से अन्य धर्म पिताओं की तरह निराकारी स्टेज न स्पष्ट दिखाई देने लगे. Until the incorporeal stage, like the one of the other religious fathers, is clearly visible through that ling-like corporeal form through his eyes. जैसे क्राइस्ट, जैसे बुद्ध, जैसे गुरु नानक के चेहरे को आँखों को ध्यान से देखो. Like Christ, Buddha, Guru Nanak, look carefully at their face, at their eyes. क्या दिखाई देता है? आत्मा, निराकार या साकार देह? What do you see? The incorporeal soul or the corporeal body? है? निराकारी स्टेज दिखाई देती है. The incorporeal stage is visible. और वो तो है बापों का बाप. And that one is the father of the fathers. कौन? Who? शिव बाप. The father शिव. वो शिव बाप जब शंकर में प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष होता है, जन्म लेता है बच्चे की तरह. When that father Shiv is revealed through Shankar in a visible form, when he is born like a child, जैसे बच्चा पहले माँ के गर्भ में होता है तो प्रत्यक्ष होता है या गुप्त होता है? Just like when a child is first in the womb of the mother, is it revealed or is it hidden? है? गुप्त होता है. It is hidden. तो अभी वो supreme soul बाप शिव है गुप्त पार्ट बजा रहा है. So now, is that supreme soul father Shiv playing a hidden role? या बच्चे की तरह प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेकर के प्रत्यक्ष पार्ट बजा रहा है? Or is he playing a visible part after having a birth in the form of revelation like a child? गुप्त पार्ट बजा रहा है. He is playing a hidden part. तो जब वो प्रत्यक्ष होगा महाशिवरात्रि में. When he is revealed on Mahashivratri, जैसी घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि इस दुनिया में न कभी हुई है. There was never such a deep dark night of ignorance in the world. और न आगे कभी होगी. And nor will there ever be. जिस अज्ञान रात्रि में In that night of ignorance, इस दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं The 5-7 billion human souls of this world अज्ञान अंधेरे में आ जाएंगी. Will come in the darkness of ignorance. सुप्रीम सोल बाप के The supreme soul father जो बाप भी है. He is also the father. क्या? What? बीज डालने वाला बाप भी है. He is also the father who sows the seed.
सुप्रीम टीचर के रूप में भी पार्ट बजाता है। He also plays a part in the form of the supreme teacher. लेकिन गुप्त पार्ट बजाता है अभी। But he plays a hidden part at present. और जो सतगुरु भी है। And he is also the सतगुरु। एक ही आत्मा के द्वारा पार्ट बजाता है तीनों। Does he play all the three parts through the same soul? या अलग-अलग है व्यक्तित्व हैं? Or are they different personalities? एक ही व्यक्तित्व है। It is the same personality. उसको भूल जाएंगे। They will forget him. क्या? What? दुनिया तो भूली हुई है ही। The world has anyway forgotten him. बेसिक ब्राह्मण वाले भी जो कहते हैं मैं भगवान बाप मिल गया, वो भी भगवान के प्रैक्टिकल रूप को नहीं जानते हैं। The Brahmins with the basic knowledge who say we have found God the Father, they don't know the practical form of God either. और जो कहते हैं हमें भगवान बाप साकार में शरीर में प्रैक्टिकल रूप में मिल गया। And those who say we have found God the Father in the corporeal, in the body, in practice, वो भी भूल जाएंगे। They will also forget him. माया समाज के फोर्स से। माया with the force of the society. जिस्मानी गवर्नमेंट के फोर्स से। With the force of the physical government. और प्रकृति रूपिणी धरणी माता के फोर्स से। And with the force of nature in the form of the mother earth. जो अंत में तामसी रूप धारण करके महाकाली बन जाती है। Who becomes Mahakali after taking on a degraded form in the end. सब पतितों का गला काट देती है। She cuts the head of all the sinful ones. मृत्यु के घाट पहुंचा देती है। She kills them. अनिश्चय बुद्धि बना देती है। She makes them the ones with a doubting intellect. सब अज्ञान की नोंदी में सोए हुए होंगे। Everyone will be asleep in the sleep of ignorance. तब भगवान बाप इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है एक सत्य मूर्ति के द्वारा। Then God the Father is revealed in this world through one true personality, meaning मूर्ति। है मूर्ति। He certainly is a personality. मूर्तिमान साकार अमूर्त नहीं है। He has a form. मूर्तिमान। He is corporeal. He isn't without a form. अमूर्त। लेकिन अव्यक्त मूर्ति है। But he is an अव्यक्त, meaning subtle personality. कैसी मूर्ति? What kind of personality? अव्यक्त स्टेज वाली मूर्ति। A personality with a subtle stage. जिसकी यादगार शिवलिंग मंदिरों में सारी दुनिया में पाया जाता है। Its memorial, the Shivling, is found in the temples in the entire world. और सबसे जास्ती तादाद में पाया जाता है। And it is found in the greatest number. उस एक के द्वारा पहले प्रत्यक्ष होंगे। He will be revealed through that one first. और उसको पहचानने वाले शिव की अष्टमूर्तियां जो गाई जाती हैं। And those who recognize him are well known as Shiva's eight murti. जिन अष्टमूर्तियों की यादगार दक्षिण भारत में बनी हुई है। The memorial of those eight murti is built in South India. क्या? What? अष्ट देवों की मूर्तियों के मंदिर नॉर्थ इंडिया में नहीं बने हैं। The temples of the idols of the eight deities aren't built in North India. कहाँ बनी हुई है? क्यों? Where are they built? Students, in South India. Why? दक्षिण भारत में क्यों? Why in South India? भगवान का जन्म तो नॉर्थ इंडिया में गया हुआ है। God's birth is famous in North India. चाहे कृष्ण के रूप में मथुरा में। Whether it is in the form of Krishna in Mathura. चाहे राम के रूप में अयोध्या में। Or it is in the form of Ram in Ayodhya. चाहे शंकर के रूप में काशी नगरी में। Or it is in the form of Shankar in the city of Kashi. Mathura, Ayodhya and Kashi are famous pilgrimage places in North India. फिर दक्षिण भारत में अष्टमूर्तियां और उनके मंदिर क्यों प्रसिद्ध हैं? Then why are the eight murti and their temples famous in South India? क्योंकि दक्षिण भारत के जो लोग हैं। It is because people belonging to South India. जो दक्षिण भारत समंदर से घिरा हुआ है।
साउथ इंडिया इज सराउंडेड बाय द ओशन. क्या? व्हाट? जो विदेश हैं, वो काय से घिरे हुए हैं? व्हाट आर द फॉरेन कंट्रीज सराउंडेड बाय? समंदर से घिरे हुए हैं. दे आर सराउंडेड बाय द ओशन. जहां ज्ञान सागर बाप उन भारत के विदेशियों के बीच पहले पहले प्रत्यक्ष होता है. द प्लेस वेयर द ओशन ऑफ नॉलेज फादर इज रिवील्ड फर्स्ट अमंग द फॉरेनर्स ऑफ इंडिया. भले बेचारे भाषा भी नहीं जानते. ऑल्दो द पुअर वंस डोंट इवन नो द लैंग्वेज. भगवान की भाषा क्या है? व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड? हिंदी भी नहीं जानते. स्टूडेंट्स हिंदी. दे डोंट इवन नो हिंदी. तो भी बुद्धियोग से भगवान बाप को पहचान लेते. स्टिल दे रिकॉग्नाइज गॉड द फादर थ्रू द कनेक्शन ऑफ देयर इंटेलेक्ट. इसलिए वो अष्टदेव भी कहां से प्रत्यक्ष होते हैं? दिस इज व्हाई फ्रॉम वेयर आर दोस 8 डीटीज आल्सो रिवील्ड. कहां से प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं? फ्रॉम वेयर डू दे हैव अ रेवलेशन लाइक बर्थ? स्टूडेंट्स साउथ इंडिया. जो शिव की अष्ट मूर्तियां मानी जाती हैं. Those who are considered to be the 8 murti of Shiva. वो अष्ट मूर्तियां भगवान बाप को पहले पहचानती हैं. Do those 8 murti recognize God the Father first? यह एडवांस के सारी बीज रूप आत्माएं पहचानेंगी. Or will all the seed form souls of the advanced party recognize him first? है? अष्ट मूर्तियां पहले पहचानती. The 8 murti recognize him first. फिर नंबर बार दूसरे पहचानेंगे. Then the others will recognize him sooner or later. कोई हजार की लिस्ट में आने वाली माला. Some come in the list of the rosary of 1000 beads. कोई 16000 की माला. Some come in the rosary of 16000. कोई 108 की माला. Some come in the rosary of 108. जिसकी यादगार. In the remembrance of this. हर धर्म में स्मरण की जाती है, सिमरी जाती है. इट इज रोटेटेड रिमेम्बर्ड इन एवरी रिलीजन. चाहे इस्लामी हो. वेदर दे आर द इस्लामिक पीपल. वो भी माला घुमाते हैं. दे रोटेट द रोजरी. क्रिश्चियंस हो. और दे आर द क्रिश्चियंस. वो भी माला घुमाते हैं. दे टू रोटेट द रोजरी. सिख हो, बौद्ध हो, वो भी माला घुमाते हैं. वेदर दे आर द सिख्स और द बुद्धिस्ट्स. दे टू रोटेट द रोजरी. तो हर धर्म की चुनी हुई श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं. सो द एलिवेटेड सोल्स सिलेक्टेड फ्रॉम एवरी रिलीजन. जो ब्राह्मण की ब्राह्मणों की इस संगमयुगी दुनिया में आकर के. दे कम इन दिस कॉन्फ्लुएंस एज वर्ल्ड ऑफ ब्राह्मिन्स. अभी नंबर वार कुरी के ब्राह्मण बनते हैं. एंड बिकम ब्राह्मिन्स ऑफ नंबर वाइज कैटेगरीज मीनिंग वन हायर देन द अदर. उनमें से चुने हुए फर्स्ट क्लास सूर्यवंशी. The first class Suryavanshis who are selected from them. जो सृष्टि के आदिकाल से लेकर के अंतिम 84 जन्म में तक 83-84 में जन्म तक ज्ञान सूर्य के सहयोगी भुजाएं बनकर के रहती हैं. Those who remain the helping arms of the Sun of Knowledge from the beginning till the last 83rd, 84th birth. वो पहले पहचानेंगी. Will they recognize him first? या दूसरे पहचानेंगे. और विल अदर्स रिकॉग्नाइज हिम. है? वो पहले पहचानेंगे. दे विल रिकॉग्नाइज हिम फर्स्ट. वही है दुनिया की नई थी नई राजधानी, ईश्वरीय राजधानी. दैट इटसेल्फ इज द न्यूएस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड द डिवाइन कैपिटल. जो सात्विक रूप वाली होगी 100%. विच विल हैव 100% सात्विक फॉर्म. उस राजधानी में नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनने वाले राजा रानी भी होंगे. There will be the king and queen who become Narayan from a man and Lakshmi from a woman in that capital. बड़े बड़े राज्याधिकारी भी होंगे, सेनापति. There will also be big royal officers like the commander in chief. महामंत्री. The chief minister. बड़े बड़े राज्याधिकारी होते हैं ना. There are big royal officers, aren't there? है? नहीं होते. Aren't there? होते हैं. There are. कोई रूहानी फोर्स लेकर के छत्र छाया के रूप में खड़े रहते हैं. Some stand in the form of the canopy, assimilating the spiritual force. राम राज्य का चित्र किसी ने देखा है? Did anyone see the picture of Ram's kingdom? है?
राम राज्य की राजधानी का चित्र देखा है? Did you see the picture of the capital of Ram's kingdom? नहीं देखा? Didn't you? है? देखा है। You have seen it. कोई छतरी लेकर खड़े हुए हैं। Some are standing holding the canopy. कोई चमर डुलाए रहे हैं। Some are fanning Ram. दिमाग ठंडा कर रहे हैं। They are cooling his head. क्या? What? विश्व का राज्य होगा? If his kingdom is the world. तो कभी कभी दिमाग गर्म भी तो हो सकता है। Then sometimes he can lose his temper, can't he? नहीं हो सकता। Can't he? है? विष्णु को बुद्ध रूपी पांव को कौन दबाए रहा है? Who is pressing the feet like intellect of Vishnu? है? हाँ। Students, लक्ष्मी। Yes. उस राजा के राज्य का बड़े से बड़ा अधिकारी। The biggest officer of that king's kingdom. कौन? Who? रानी। The queen. महारानी। The chief queen. वो क्या कर रही है? What is she doing? बुद्ध रूपी पांव दबाए रही है। She is pressing the feet like intellect. मना? What does it mean? विश्व का राज्य है। His kingdom is the world. तो बड़ी बड़ी समस्याएं भी आएंगी या नहीं आएंगी? So, will there be big problems or not? Students, there will be. उन समस्याओं को सहज कर देगी। She will ease those difficulties. क्या? What? पवित्रता के वाइब्रेशन से। Through the vibrations of purity. दुनिया के सारे कार्य कैसे होते हैं? Through what are all the tasks of the world accomplished? पवित्रता की शक्ति से। Through the power of purity. कोई छत्रधारी बनकर खड़े होंगे। Some will stand holding the canopy. रूहानी मिलिट्री का फोर्स के बड़े बड़े अधिकारी बन करके खड़े होंगे। They will stand as the big officers of the spiritual military force. कोई पांव पखारेंगे। Some will wash his feet. मना? What does it mean? शूद्रों का काम क्या होता है? What is the task of the Shudras? Meaning, members of the lowest division in the Indo-Aryan society. है? पांव दबाने का, दास दासी का काम होता है। To press the feet. They do the work of maids and servants. तो उस राजधानी में सब चाहिए। So, everyone is needed in that capital. राजा रानी भी होंगे। There will be the king and queen. छोटे बड़े राज्य अधिकारी भी होंगे। There will be big and small officers. छोटे बड़े दास दासी भी होंगे। As well as, there will be big and small maids and servants. दास दासी भी बड़े छोटे मर्तबे वाले होते हैं या नहीं? Do maids and servants also have a high and low status or not? हैं? होते हैं। They do. जैसे माता तो जन्म देती है। For example, a mother gives birth to a child. लेकिन जो दाई माँ होती है। But there is a foster mother. बच्चे की पल पल सुरक्षा करने वाली। Who protects the child every moment. वो भी माता मानी जाती है या नहीं मानी जाती है? है? Is she also considered to be the mother or not? माता मानी जाती है। She is considered to be the mother. उस माता से भी, माता के लिए भी, जो प्रजाजन होंगे, वो आदर का भाव रखेंगे या नहीं रखेंगे? Will the subjects have an attitude of respect for that mother too or not? है? रखेंगे। They will. मान मर्तबा देंगे या नहीं देंगे? Will they give respect and honor to her or not? देंगे। They will. तो सब प्रकार के होंगे, आठ के अंदर ही होंगे। So there will be all kinds of statuses among the eight themselves. लेकिन सारे ही जिस जिस मंच पर बैठ करके, कुर्सी पर बैठ करके अपना कार्य करेंगे। But on whichever stage, seat, they sit and do their work, वो 100% सच्चा कार्य करेंगे। They will do it with 100% truthfulness. कि झूठे होंगे? Or will they be false? है? उनकी यादगार भक्ति मार्ग में भी चलती है। There is their remembrance in the path of bhakti too. चलती है कि नहीं? Is it there or not? है? राणा प्रताप और उनके बाप उदय सिंह, उनकी कथा सुनी और देखी है? Have you heard or seen the story of Rana Pratap
एंड हिज फादर उदय सिंह है भाई माने क्या किया था व्हाट डिड हिज फॉस्टर मदर डू है अपने बच्चे को दुश्मन के सामने डाल दिया शी प्लेस्ड हर चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ द एनिमी तलवार के घाट उतरने दिया शी अलाउड हिम टू बी किल्ड विद अ सॉर्ड और राजा के बच्चे को बचा लिया एंड सेव्ड द किंग्स चाइल्ड तो माता का काम किया या नहीं किया सो डिड शी डू द मदर्स टास्क और नॉट तो देखो सच्चे से सच्चे दास दासी भी यहाँ तैयार होते सो लुक द मोस्ट ट्रूथफुल मेड्स एंड सर्वेंट्स ऑल्सो बिकम रेडी हियर लेकिन पहली पहली जो राजधानी स्थापन होती है द वेरी फर्स्ट कैपिटल दैट इज एस्टैब्लिश्ड जिसकी हिस्ट्री बनती है इसे षष्ठ रूपी रंगमंच पर Whose history is made on this stage-like world? भले उस हिस्ट्री को पूरा जानने वाला एक परमपिता परमात्मा ही है जो आकर के बताता है कि उस सृष्टि का आदि का जो तिथि तारीख है क्या है Although it is only the Supreme Father, Supreme Soul who knows the complete history, he comes and tells us the date of the beginning of that world. What is it? लक्ष्मी नारायण के चित्र में दी हुई है इट इज रिटन इन द पिक्चर ऑफ लक्ष्मी नारायण संबत एक 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 एरा 111 भगवान बाप जब आकर के प्रत्यक्ष होते हैं व्हेन गॉड द फादर कम्स एंड इज रिवील्ड तो राजा जनक को एक सेकंड में क्या देते हैं व्हाट डज ही गिव टू किंग जनक इन अ सेकंड है जीवन मुक्ति देते हैं ही गिव्स हिम लिबरेशन इन लाइफ जीवन मुक्ति स्वर्ग में होती है या नरक में होती है इज देयर लिबरेशन इन लाइफ इन हेवन और इन हेल स्वर्ग में होती है इट इज इन हेवन और स्वर्ग में राजधानी होगी या नहीं होगी एंड विल देयर बी अ कैपिटल इन हेवन और नॉट स्टूडेंट्स देयर विल तो राजधानी भी देते होंगे सो ही माइट बी गिविंग द कैपिटल टू है एक सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं व्हेन ही गिव्स लिबरेशन इन लाइफ इन अ सेकंड तो राजधानी की स्थापना एक सेकंड में नहीं करते होंगे Won't he establish the capital in a second? है? Student, he will. तो भगवान का आना प्रैक्टिकल में इस संसार में प्रत्यक्ष होना The arrival of God and his revelation before the world in practice कि जो इन आँखों से देखे प्रैक्टिकल में is when whoever sees him through these eyes in practice जो इन कानों से सुने प्रैक्टिकल में Whoever listens to him through these ears in practice, उसका दिल क्या बोले? What should his heart say? है? Everlasting बोले? Students, my father has arrived. Should he say that forever? या आज बोले कल निश्चय बुद्धि हो जाए? Or should he say it today and become the one with a doubting intellect tomorrow? है? Everlasting बोले? He should say it forever. उसे क्या कहेंगे? What will he be called? मृत्यु लोकवासी अ रेजिडेंट ऑफ द अबोड ऑफ डेथ या अमर लोकवासी और अ रेजिडेंट ऑफ द अबोड ऑफ इमोर्टैलिटी अमर लोकवासी अ रेजिडेंट ऑफ द अबोड ऑफ इमोर्टैलिटी वो अमर लोकों के देवताओं की दुनिया का फाउंडेशन पड़ जाता है द फाउंडेशन ऑफ दैट वर्ल्ड ऑफ इमोर्टैलिटी ऑफ द डीटीज इज लेड वो पुरुषोत्तम वर्ष भी कहा जाता है इट इज कॉल्ड द पुरुषोत्तम ईयर पुरुषोत्तम युग भी कहा जाता है द पुरुषोत्तम एज श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सेकंड द मोस्ट एलिवेटेड सेकंड ऑफ द मोस्ट एलिवेटेड पुरुषोत्तम एज पुरुषोत्तम दिन भी है इसी संगम युग में देयर इज आल्सो द पुरुषोत्तम डे इन दिस वेरी कॉन्फ्लुएंस एज और पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी है एंड देयर इज आल्सो द पुरुषोत्तम मोमेंट टू बिकम पुरुषोत्तम जिसकी यादगार कृष्ण का जन्म गाया जाता है द बर्थ ऑफ कृष्ण इज फेमस एज इट्स रिमेम्बरेंस कृष्ण बच्चा है या बाप है इज कृष्ण द फादर और द चाइल्ड बच्चा है ही इज द चाइल्ड जिस बच्चे को बाप इस काम अग्नि से धू धू जलती हुई दुनिया में उस आत्मा को उस बच्चे को षष्ठी रूपी पहले पत्ते को बचा लेता है Does the father safeguard that soul, that child, the first leaf of the world, from the crackling flames of the fire of lust, which is burning in this world? या छोड़ देता है?
और डस ही लीव हिम बचा लेता है ही सेव्स हिम शारीरिक रूप से बचाता है डस ही सेव हिम फिजिकली या सिर्फ आत्मा को बचा करके परम धाम ले जाता है और डस ही सेव जस्ट द सोल एंड टेक हिम टू द सुप्रीम अबोर्ड है शारीरिक रूप से ही बचा लेता है ही सेव्स हिम फिजिकली माने वो कृष्ण की आत्मा और फिर दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा इट मीन्स द सोल ऑफ कृष्ण एलियस द सोल ऑफ दादा लेखराज ब्रह्मा राम वाले व्यक्तित्व में शंकर के व्यक्तित्व में संपूर्ण चंद्रमा बन करके सदा काल के लिए समा जाती है मर्जेस फॉरएवर इन द पर्सनालिटी ऑफ राम शंकर आफ्टर बिकमिंग द फुल मून जब तक ठेठ सतयुग में शारीरिक रूप से जन्म न ले तब तक के लिए अंटिल ही हैज अ फिजिकल बर्थ इन द एक्चुअल गोल्डन एज तो बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है सो इज द बर्थ ऑफ द फादर एंड द चाइल्ड टुगेदर या आगे पीछे है और इज इट वन आफ्टर द अदर इकट्ठा जन्म है देयर बर्थ इज टुगेदर माना जैसे शिव बाप अव्यक्त है आंखों से देखने में नहीं आता इट मीन्स जस्ट लाइक द फादर शिव इज अव्यक्त मीनिंग सटल ही कांट बी सीन थ्रू द आईज ऐसे ही कृष्ण की आत्मा भी अव्यक्त है सिमिलरली द सोल ऑफ कृष्णा इज ऑल्सो अव्यक्त सूक्ष्म शरीरधारी भल है ऑल्दो ही इज अ सटल बॉडीड बीइंग लेकिन वो भी संपूर्ण बनती है डज ही टू बिकम कम्प्लीट बिंदु बनती है डज ही बिकम अ पॉइंट या अधूरी है और इज ही इनकम्प्लीट देहभान में रहती है डज ही रिमेन बॉडी कॉन्शियस है बिंदु बन करके राम के शरीर में विराजमान होती है ही सिट्स इन द बॉडी ऑफ राम आफ्टर बिकमिंग अ पॉइंट क्या वॉट एक शरीर है और बाप बेटे का जन्म भी इकट्ठा है देयर इज वन बॉडी एंड द बर्थ ऑफ द फादर एज वेल एज द सन आर टुगेदर ओम शांति ओम शांति